टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Everyone, you're watching the Mazedar Show with Aditya and Faizan Season 2. उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द करार बॉयज। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फन एयर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदित्य दिलमजान। अस्सलाम वालेकुम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वही चाल आपने बनाई हुई है। वो असल में जब भी मैंने नोट किया है कि मैं बैक टू बैक शोज करने लग जाता हूँ तो मेरी ये वाली हड्डी जो है वो दर्द करने लग जाती है। असल में आप अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, सोते कम हैं, पानी पीते नहीं हैं, जो जो हाथ में आता है वो खा लेते हैं। हाँ। तो ये ऐसे ही होता है। नहीं कोई बात नहीं, देखें हम जिंदा हैं और हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए हैं, तो खैर अगर थोड़ी बात कभी और हम स्किप कर जाते हैं तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। और आवाज़ बहुत जोर से आ रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई बुरा वक्त आने वाला है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से साउंड वाला जल्दी रियलाइज कर लेगा और आवाज़ को थोड़ा कम कर देगा। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी आदि भाई, ठीक ठाक है आप? मजे में? बिल्कुल जबरदस्त। आप बताएं क्या चल रहा है? आदि भाई शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों का सीजन तो ना, लोगों ने मुझे एक जगह पे टैग किया एक वीडियो में और आपका नाम भी उसमें टैग था, वो तो आप फेसबुक पे नहीं इसलिए आप बच गए। क्या था उसमें? लोग कह रहे हैं कि भाई आदि भाई की एक भी नहीं हो रही, लोग तीन तीन कर रहे हैं, दो दो कर रहे हैं, चार 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 कर रहे हैं, क्या है ये? दो दो से मुझे याद आया। हाँ वो काशी भाई आप ठीक हैं? खैरियत से ठीक है आप? भाभी सही हैं? ये तुम कहाँ चले गए? मैं पूछ रहा हूँ ये तीन तीन शादियां आपकी एक भी नहीं हो रही, लोगों ने मुझे टैग किया, मैं क्या जवाब दूं लोगों को? यार वो तीन तीन से मुझे जवाब देना पड़ रहा है। देखिए वो जो तीन तीन कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ और भी कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता, जाहिर सी बात। वो वाली हरकतें ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, और ना मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। ओके उनकी मर्जी है, उनको अच्छा लग रहा है, सही है सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर रहे हैं इसका मजाक ना बनाए। मुझे मेरी शक्ल नहीं है वाली बात कहने वाली, लेकिन ठीक है अगर आपने किसी से शादी कर ली है और आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन उस खातून को या अगर कोई खातून ऐसा कर रही है तो उस मर्द को एक जोक की तरह या प्रॉप की तरह ना इस्तेमाल करें, उसको मार्केटिंग का एक टूल ना बनाए, उस पर स्टूपिड हरकतें ना करें। आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, तो प्लीज़ अपनी प्राइवेसी को देखें, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट को देखें। आपको ये बात पता है कि जब आप उनको इस तरह कहीं भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मैंने एक पॉडकास्ट में देखा जिसपे वो हो रहा था कि जी ये शादी के बाद पहली पॉडकास्ट है, उनका मजाक ना उड़ाएं प्लीज़। वो छोटी हैं, उनको घर में रखें, उनकी इज्जत रखें। मैं हैरान होता हूँ उन होस्ट से भी जो चलें, वो तो उनके शौहर हैं तो वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं, सामने से होस्ट भी उनको एज अ प्रॉप की तरह बात करे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी शादी सबकी अपनी मर्जी है, कोई ना कोई ऐसा दूध या ऐसे बादाम खा रहे होंगे जिसकी वजह से जरूरत महसूस हो रही है। आप क्यों नहीं कुछ खा रहे? आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? फैजान मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? मैं पहले शादी कर नहीं रहा था, फिर मैंने शादी करनी थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इस साल मैं शादी कर लूंगा, पक्की बात है, मेरी पूरी नीयत है। और अल्लाह मियां मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, मैंने जिंदगी में जब भी कोई फैसला किया है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो अब मैंने जब शादी का फैसला किया, आपको याद होगा, मतलब मुझे सर्टिफिकेट मिल गया आपको, सर्टिफिकेट मिल गया, और आपको याद होगा पिछले साल मैं कह रहा था इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, लेकिन विद इन एन ईयर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि मैंने खुद कहा कि नहीं नाउ आई एम देयर वेयर आई विल गेट मैरिड नाउ। तो इंशाल्लाह इस साल हम शादी करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आज हम नहीं करेंगे, आपकी हुई भी है। मैं तो भी तो हो चुकी। हाँ तो मैं आपकी शादी में मैं होऊंगा ना, लेकिन इंशाल्लाह ठीक है जी। आज की जो हमारी गेस्ट आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, और ये बता दूं कि टीवी वन में कभी कभार ऐसी गेस्ट आती हैं जिनको देख के बहुत अच्छा सा लगता है, वरना मोस्टली गेस्ट काशिफ भाई की तरह के ही आते हैं हमारे, समझ आप गए होंगे। नहीं जी बहुत अच्छी गेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। कुछ अरसे के लिए इन्होंने ब्रेक लिया, ब्रेक से जब वापस आई हैं, लोग कहते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी जर्नी स्टार्ट करना, लेकिन मुझे इनसे मिलके लगा कि ये तो ब्रेक पे किसी वजह से गई थी, मतलब इन्होंने फोकस करके गई थी, फोकस करके वापस आ गई है। हाँ प्लान था बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त एक्टर जी, जो करती हैं बहुत जबरदस्त करती हैं, इनको बुलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा तंग भी करेंगे। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर सानिया शमशाद। वेलकम
वेलकम टू द मजेदार शो। आइए तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं आदि? मैं तो कमिंग सून में था और आ गया हूँ मैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले आपको मसला हो, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि बाद में इस बारे में बात ना हो। ओके आपका जी, वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताइए, ये क्या सोचा आपने? लोग जब हिट होते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा काम करो, आप जैसे ही हिट हुई आपने एक ब्रेक ले लिया? डिपेंड करता है लोग काम क्यों कर रहे हैं। आप जलील हैं मुझे लगा। बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि पहला ये सवाल करना चाहिए था, आप काम क्यों कर रही हैं? अच्छा जी, तो आप क्यों काम कर रही थी, क्या डिपेंड करता है? मुझे लगता है आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून होना चाहिए ताकि आप जिंदगी के बाकी जो खाने हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो मुझे लगा नहीं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज्यादा घुस जाऊँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम ना दे सकूँ। बड़ी बात है। तो मुझे लगा जैसे जैसे मैं फैमिली को भी टाइम दे रही थी, मैं फ्रेंड्स को भी टाइम दे रही थी, देन आई गॉट मैरिड, नाउ आई हैव अ बेबी माशाल्लाह। सो उसके साथ काम भी चल रहा है, तो कभी मैंने काम को सर पे सवार नहीं किया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि काम की वजह से मुझे शादी अभी नहीं करनी और बेबी प्लान नहीं करना या मुझे बाकी एक्टिविटीज रोक देनी है। तो सब साथ में चला है, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन लोग कहते हैं जी काम कर रहे हैं, बस काम करते रहे, शादी वादी क्या फिर देख लेंगे, हो जाएगा बाद में। मुझे लगता है कि वो खुशी और सुकून का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, नॉट कि आप एक एक्टर हैं तो आपको काम करते रहना चाहिए, आप एक डॉक्टर भी हैं और आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो सुकून आपको ढूंढ लेना चाहिए। तो मैंने ढूंढ लिया, सुकून जरूरी होता है। जिस तरह आप काशी भाई देखे, ये अपने गली में से जो जमीन पे गिरी हुई टॉफियां होती हैं वो उठा के खाते हैं, सुकून मिलता है, तो बहुत जरूरी है। अच्छा आपने ब्रेक लिया, तो आप ब्रेक लेके कहाँ गई थी? मैंने ब्रेक लिया नहीं था, ब्रेक आ गया था। ब्रेक आ गया था, वो हुआ ये था, आई वाज वर्किंग एंड देन आई गॉट मैरिड, और वो बहुत जल्दी हुआ था। एक मतलब ऐसे कि आप सेट से वापस जा रही थी, रास्ते में एक आदमी आपने कहा कबूला कबूला, इतना जल्दी भी नहीं हुआ था। मेरे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आई गॉट अ प्रपोजल और मेरी फैमिली सबको अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दी। आपको भी वो अच्छे लगे होंगे? मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जब तक प्रपोजल नहीं आया उससे पहले अच्छे लगे थे? हम कभी मिले नहीं थे, कहीं आंख मटक का हल्का सा नहीं, ऐसा नहीं था। मैं गुजरा था, तुम ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, मैंने देखा था। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। उनको पता भी नहीं था मैं एक्टर हूँ। अच्छा, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में ही रहे थे, तो उनको पता नहीं था मैं एक एक्टर हूँ, वो बाद में पता चला था कि मैं। तो आप शादी करके ऑस्ट्रेलिया गई फिर? जी मैं वहाँ गई थी और मैं ट्रैवल कर रही थी, और साथ फिर कोरोना हो गया तो उसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकी थी, और वो ब्रेक मेरे लिए अच्छा हो गया था, मैं अपने रिलेशनशिप को टाइम दे सकी। और तो ये ब्रेक जो था ये कोविड की वजह से था जी, या जी, ये एक परसेप्शन हमारे यहाँ? इट वाज नॉट ऑन पर्पस कि नहीं मुझे ढाई तीन साल काम करना ही नहीं है, बस मैं आ नहीं सकी थी वापस। सही है, एक परसेप्शन भी हमारे यहाँ लोगों का कि आप शादी कर लें तो आप काम करना छोड़ देते हैं, ये खासतौर पर खवातीन के साथ कि कोई एक्ट्रेस अगर शादी करके तो अच्छा अब तो ये काम नहीं करेंगी, ये ऐसा क्यों हो जाता ऐसा है? होता है ऐसा? हाँ। नहीं है कि नहीं है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ से नहीं रोका, और वो कंडीशन आई नहीं कि ये काम नहीं करेगी। और उनको तो वो पूछते रहते थे कि व्हेन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ कमिंग, और अभी भी उनको ये, अभी जब मैं आपकी मदर के साथ एक प्ले कर रही हूँ और वो बहुत खुश हैं, दे आर वेटिंग कि मैं कब ऑनर जाएगा और मैं देखूंगी जी। तो आपके हस्बैंड को नहीं पता था कि आप एक्ट्रेस थी? जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं हुआ जब आप ऑस्ट्रेलिया गई तो वो कुछ ऐसे निकला है जो आपको नहीं पता था कि वो है? हाँ, उन्होंने भी कुछ सरप्राइज दिया आपको कि मैं भी एक्टर हूँ इधर का, आई वॉक इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बोलते होंगे? यही हुआ था। हाँ, और मैंने वैसे तो मेरे उस तरह के शशके नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो उनके बहुत शशके थे एक एक्ट्रेस से ज्यादा, तो कभी मुझे वो होता ना कि नहीं मैं एक एक्टर हूँ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो बड़े एक्टर निकले। हाँ जी, क्योंकि उनसे थोड़ी बड़ी चीज है। तो वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, उर्दू ज्यादा बोलते हैं? उन बेसिकली इज फ्रॉम इंडिया, तो उनको हिंदी थोड़ा है और उर्दू बहुत कम आती है उनको। अच्छा जी, लेकिन बोलते हैं, मुझसे बहुत सीखते हैं, और वैसे अंग्रेजी। वाह, मजा आया ना। और अंग्रेजी इंडिया में बहुत सारे रीजन है, ऑब्वियसली इंडिया में कहाँ से है वो? बैंगलोर से। yes. बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा यार, ये सब कुछ आपने एक साथ एक ही बंदे में ढूंढ लिया, इंडिया से भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है,
और शशके भी पूरे हैं। शशके कह रही मुझसे भी ज्यादा शशके, शशके आपसे भी ज्यादा। मेरे तो शशके हैं ही नहीं। अच्छा, तो आप ऐसा तो नहीं होता कि उनसे इंग्लिश में, जब इंग्लिश में ही बात करती होंगी क्योंकि वो इंग्लिश ज्यादा हो, तो आप थक जाती हूँ? मैं बहुत ज्यादा, मैं मिस करती थी, मैं बहुत मिस करती थी कि वो अपनी जुबान, पहले नहीं समझ आता था, लेकिन वहाँ जाकर जब कोई मिलता ही नहीं है और आपको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है तो अब मिस करते हैं उस चीज़ का। और जब मैं यहाँ आई हूँ और डायलॉग्स अब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है मेरी अपनी उर्दू बहुत खराब हो चुकी है। तो खैर वो मेरी ठीक हो जाएगी इस प्रोजेक्ट ने आपको खराब कर। अच्छा, इस सारे टाइम में कोई ऐसा हुआ किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया हो, फिर लोग अच्छा नहीं अब आप तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, अब कैसे हो सकता है, आप कैसे आएंगी, क्या होगा? वो ऑफर्स आ रही थी बीच में और ये होता था, लेकिन मैं पहले ही मना कर देती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी ट्रैवल कर नहीं पाऊंगी। हां, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि जितने लॉकडाउन हुए पूरी दुनिया में उसमें ऑस्ट्रेलिया का लॉकडाउन काफी सख्त लॉकडाउन था और वो अब जाके थोड़ा रिलीफ वहां पे आया है, वरना बहुत सख्ती थी। जी जी जी, तो इसीलिए हम ट्रैवल कर ही नहीं पाए थे और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी, मैं कहीं स्टक दूसरी कंट्री में स्टक नहीं होना चाहती बिकॉज हस्बैंड को तो ऑस्ट्रेलिया में ही रुकना था। तो अभी जब चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं तो मैंने ट्रैवल किया है। लेकिन आप देखें ना, ये कितनी लकी है कि ये जब ट्रैवल भी कर रही थी तब भी इनको ऑफर आ रही थी। मैं अपने घर से दोस्त के घर चला जाऊं तो मेरा फोन बजना बंद हो जाता है क्योंकि मैंने वो तो सिग्नल्स का मसला है। मैंने कभी अनाउंस किया नहीं कि मैं एक्टिंग छोड़ रही हूं क्योंकि मेरी शादी होगी। अब आप ऐसा सोच लें या कोई और ऐसा सोच, क्योंकि जिन्होंने सोचा भी, अभी जब वो उनको पता चलता है कि मैं काम कर रही हूं तो वो कहते हैं अच्छा आप काम कर रही हैं, अच्छा आपने छोड़, मैंने कभी चीजें क्लियर करने की कोशिश की किसी को, आपने कॉल करके बताया कि सुने मैं काम कर रही हूं, ऐसा नहीं कि मैंने काम छोड़ दिया है? नहीं, मुझे लगता है उस वक्त कर ना पाती, अगर मैं किसी को बोलती भी कि नहीं मैं तो काम कर रही हूं, फिर वो बोलते आ जाए आप कर लें और मैं कहती मैं तो अवेलेबल नहीं हूं, तो वो अच्छी बात। लेकिन अब आके लोगों को पता चल गया कि सानिया वापस काम कर रही हैं? जी जी जी, पता चल गया। और कोई और आपसे ये लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों आपने ब्रेक लिया, ये मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आप चली गई थी, आपने शादी कर ली एंड यू मूव्ड आउट एंड कोविड की वजह से आप नहीं आ सकी। वो पूछते हैं कि एक्टिंग क्यों छोड़ दी और ये वो, तो उनको भी यही जवाब देती हूँ कि छोड़ी नहीं थी, ट्रैवल नहीं कर पाई थी, अभी वापस आ गए नंबर के। चले ये तो हो गया ब्रेक। हाँ जी, अब हम और पीछे चलते हैं। हाँ, शुरू कहाँ से हुई, सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे सोचा एक्टिंग करनी है, किसने कहा एक्टिंग? कभी सोचा ही नहीं था कि करनी है और कभी प्लान भी नहीं किया था एक्टिंग कि मैं एक्टिंग करूंगी। एक्टिंग बस अचानक से होगी शादी की तरह। जी बिल्कुल ऐसा ही था। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वेंट समवेयर फॉर हर ऑडिशन एंड आई वाज विद हर, तो उनकी फ़ोटोज़ हो रही थी एंड आई वाज जस्ट वेटिंग एंड दे सेड कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं फ़ोटोज़ में। आई वाज लाइक ओके ले लें बिकॉज आई हैड बैंग्स एट दैट टाइम। तो वो एक दो पिक्चर्स थी जो वसीम अब्बास सर ने देखी थी और देन ही अप्रोच्ड मी, देन ही कॉल मी एंड आस्क्ड मी कि क्या मैं उनका प्रोजेक्ट करूँगी। और मैंने उनको बोला था मुझे एक्टिंग आती नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं एक्टिंग करूँगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला हम एक्टिंग करवा लेंगे आप अगर विलिंग है तो। जी, तो फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था और देन आई साइन दैट प्रोजेक्ट। इट वाज विद जावेद शेख सर एंड वो 15 डेज का शूट था बिकॉज आई वाज स्टडिंग एज वेल, तो मेरे लिए वो चंक ठीक था 15 डेज का। आई डिड दैट, देन दे ऑफर्ड मी अनदर प्ले, देन अनदर प्ले। लेकिन आपकी कहानी ना हम दोनों जैसी है। फैजान पहली बार एक जगह ऑडिशन देने गए थे, इनका फोटो शूट था तो मैं इनके साथ था, तो अच्छा। क्योंकि हम दोस्त हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूँ, तो वहाँ इनकी तस्वीरें खींच रही थी, मैं वेट कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल आपने जिस तरह बताया, तो वो आए मेरे पास जो इनकी फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने कहा अब मैं सरप्राइज हो गया, तो मैं फॉरन क्यूट बन गया, मैंने कहा किस चीज़ में, तो उन्होंने बोला यहाँ से बाहर जाने में क्योंकि जगह कम है कमरे, तो मैं फिर बाहर चला गया, फिर मुझे काम ही नहीं मिला कभी। क्यों नहीं मिला कभी, आप यहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यू, वो तो फिर इसने खुद मेहनत की ना, मेहनत की। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो दोस्त हैं, अब आप उनसे दोस्ती है जिनके साथ आप गई थी या उसके बाद? उनका कुछ हो नहीं पाया, उन्होंने तो फिर भी दोस्ती है। फिर भी दोस्ती है, मेरे दोस्त मेरे स्कूल फ्रेंड्स के अभी तक हैं। उन्होंने ये नहीं कहा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं नहीं। हाँ मेरा मौका तुमने ले लिया? नहीं नहीं नहीं। मुझे लगता है इसमें लक बड़ी काउंट करती है कि आप लकी हैं, और आप मुझे नहीं समझ, अभी भी मैं जब ये प्रोजेक्ट साइन करी थी आई वॉज वेरी कन्फ्यूज के इतने टाइम के बाद कैसे करूँगी, मुझे शायद भूल गया। मैं आई और जब एक्शन हुआ तो मैं फॉर्म में थी एंड आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मेरे लिए क्लैप भी किया था अभी परसों वाले सीन में, यू मदर क्राई, मैं सीन कर रही थी और देन शी इज़ प्लेइंग माई बी जान,
तो मैं उनको रोने का सीन था तो वो सच में रोना शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा अच्छा नहीं भूली, तो मुझे लगता है कि कहीं चीज़ अंदर छुपी होती है जो उन्होंने देखी थी और जो वसीम सर ने देखी थी। अच्छा, लेकिन ये अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपका क्या स्टार है? लिब्रा। लिब्रा, अच्छा, हालांकि मेरा कैप्रिकॉर्न है लेकिन हमारी बातें बिल्कुल सेम है। अच्छा। मैंने अभी 2-3 महीने पहले प्रधान की अम्मा, मेरी अम्मा, उनके साथ प्रोजेक्ट किया और ऐसी एक सीन आया, तो मैं भी वही था कि मैं क्योंकि सीरियस एक्टिंग नहीं करता और मैंने कहा मेरा पहली बार है, तो वो सीन शुरू हुआ और वो रोने लग गई मेरे साथ ही। तो मैंने कहा यार मतलब पावर है मेरे अंदर सीरियस एक्टिंग करने की, तो मैंने उनको बोला कि मैंने अच्छा किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इस बात पे रो रही हूँ तुम्हें किसने कास्ट कर लिया। तो फिर मैं फिर उससे भी निकाल दिया, अब काम नहीं है। लेकिन सिमिलैरिटी है, हैं? काफी सिमिलैरिटीज है माशाल्लाह से। अच्छा, तो अब आप काम देखती हैं अपना, कोई कभी काम एक्टिंग देखी है एक, एक मुझे लगता है ये मैं बहुत गलत करती हूँ खुद के साथ, मैं अपना काम देखती नहीं देखती, देख पाती ही नहीं हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। मैं मुझे ये जैसे जब मैं सीन कर रही होती हूँ मैं कहती हूँ क्या सीन कर दिया मैंने, वो इससे बेस्ट तो हो नहीं सकता था शूट पे जी, और जब मैं ऑन स्क्रीन देखती हूँ मैं कहती हूँ ये क्या किया मैंने, मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब कभी आप खुद से इंप्रेस नहीं हुई, आपने बोला यार क्या सीन करके दिखाया मैंने? नहीं, घर पे बैठ तो ऐसा क्या होता है जो सेट पे अच्छा लग रहा होता है और टीवी पे आके बुरा लगने लगता है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब लोग कहते हैं कि वो कोई प्ले देखते हैं या कोई सीन देखते हैं वो एडमायर करते हैं, फिर मैं देख लेती हूँ कुछ कि अच्छा। अच्छा, पर तो लोग एडमायर करते हैं तो फिर अच्छा लगता है देखने में? मुझे फिर भी कमियां लगती हैं कि यार ये हो जाना चाहिए था, ये लाइन ठीक नहीं बोली, ठीक है। आज मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर मैंने मैं कुछ प्लेस के लिए नॉमिनेट भी हुई थी वो भी नहीं देखे, ये बुरी बात है, देखने चाहिए अपना काम, देखना चाहिए बिल्कुल, देखना चाहिए होता है कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, अपना काम तो नहीं देखने, किसी और का देखती है। हाँ जी, सजल वो मुझे बहुत पसंद है, सबा और यमुना जैदी, उनका मैंने आने से पहले थोड़ा होमवर्क करी थी तो मैं देखना चाह रही थी कि क्या हमारी स्क्रीन बदली है कि नहीं, तो मैंने सजल का इश्क ला देखा, मायरा का, तो स्क्रीन बदली है आपको लगता है या नहीं बदली अभी? नहीं, वैसी की वैसी है जी, वही टीवी था ना जब गई थी वो वही टीवी था, जब आई है तो वही टीवी घर में था। अच्छा, घर वालों ने नहीं, वो स्क्रीन की बात करनी है कि शूट कैसे होता है, कहानियां बदली है हमारे यहाँ या कहानियां भी वैसी हैं? वैसी हैं, आज भी मुझे मारे पड़ रही हैं और 3 साल पहले भी पड़ रही थी। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि आप बोलते हो कि यार बस यार ये क्या मतलब एक ही तरह की मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, पिट रही हूँ मैं, ये हो रहा वो हो रहा, रोना गाना चल रहा है? नहीं, उसमें फिर आप एज एन एक्टर आपका काम बढ़ जाता है कि अगर आप पहले प्ले में भी मार ही खा रही थी तो आप अब किस अब कैसे मार खाएंगे डिफरेंटली, आप क्या नए तरीके से मार खानी है पहले तो, क्या ओ फिर क्या आ, आप देखें अच्छी स्क्रिप्ट और डिफरेंट स्क्रिप्ट बहुत कम बनते हैं, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, और एक जैसे स्क्रिप्ट बनते हैं उसमें से हम खुद को कैसे डिफरेंट दिखा सकते हैं अपने काम को पहले वाले काम से, या एक्टर का थोड़ा सा होमवर्क होता है वो कर लेना चाहिए, आप अपनी लुक। अच्छा, होमवर्क करती हैं आप, किस तरह से होमवर्क करती हैं? कैरेक्टर आपको मिला है तो क्या होमवर्क होता है जरा मुझे बताएं। होमवर्क ये होता है, आप पढ़ते हो स्टोरी क्या, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको, मुझे लगता है कि आप और मैं अगर एक सीन में हैं, आप इसमें भी मैं नहीं हूँ, यहाँ भी काम नहीं मिल रहा भाई, आप और आप सीन में है, ठीक है, तीनों हम तीनों एक सीन में है, तो मुझे लगता है आपका एक कैरेक्टर है, इनका एक कैरेक्टर है, फिर मेरा एक कैरेक्टर, तो मैं उसको कैसे डिफरेंट दिखा सकती हूँ, एक तो पहले वाले काम से, वो भी हो सकता है आप जैसे बोलते हैं या आप जैसे दिखते हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें काउंट कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट ऐसे नहीं आते कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें अपने लुक्स के साथ, क्योंकि अगर गरीब घर की कहानी है तो आप उसको कितना गरीब, किस किस तरह से गरीब दिखा सकेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट मैं नोट करती रहती हूँ कि अच्छा मैं इसमें ये कर लूँगी। अच्छा, तो आप कहती हैं कि मैं ये करूँगी या आप सजेशन देती हैं कि हम ये कर सकते हैं? मैं पूछती हूँ कि क्या हम ये कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता सब मान लेते हैं आपकी बात या कोई कहते हैं नहीं? कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, जैसे ओके आई डोंट स्पीक टू एनीवन एक्सेप्ट फॉर माय डायरेक्टर, मुझे जो जैसा मैं कंसीव करती हूँ मैं उनके पास जाती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, तो अगर वो इस बात से एग्री कर जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो वो कहते हैं मैं कर लेती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं माने हो तो आपने कहा नहीं नहीं ना आप मेरी बात समझें यार, मैं 3 दिन से इस पे काम कर रही हूँ, ये ऐसे अच्छा लगेगा? नहीं, आई डोंट, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करती, बस जो डायरेक्टर ने कह दिया वो ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सेट पे जब आप जाती हैं तो दोस्तियाँ करती हैं या आप बोलती हैं अब तो माय हस्बैंड इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई एम नॉट गोना टॉक टू एनीबडी, ये ऐसा कुछ नहीं? अब तो वो वाला ट्रेंड आ गया ना कि जी मैं तो कास्ट के साथ नहीं बैठूंगी, मैं तो अलग से बैठती हूं। तो आप क्या कास्ट के साथ बैठती हैं?
मुझे लगा ये नया ट्रेंड आया, मैं आपकी मदद से ही पूछ रही थी। नहीं नहीं, काफी लोग करते हैं अभी कि जी हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, हम अलग बैठेंगे। हाँ जी, आप अलग बैठती हैं, कास्ट के साथ बैठ जाती हैं? नहीं नहीं, अलग क्या बैठना है मुझे आपके साथ। अभी जैसे मैं एक घंटा डेढ़ आपके साथ स्पेंड कर रही हूँ, फिर मेरा अलग जाके बैठना मुझे समझ में नहीं आता। उससे प्रॉब्लम मुझे जो रिसेंटली फेस करना पड़ा वो ये है कि आपको अलग बैठना है, आपको बैठना ही नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन। ठीक है, आपको अलग कमरा चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप करें। बट प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर हुआ कि मेरा सीन है और मुझे लाइंस करनी है आपके साथ, आप अवेलेबल ही नहीं हैं, आप आए ही नहीं रहे हैं सेट पर। आप आएंगे तो मैं अपनी लाइंस करूँगी, पर वो साफ जवाब आ जाता है दैट लाइंस नहीं होंगी, सीधा सेट पर ही आएंगे। उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि डायरेक्टर जो थे वो दो लोगों को अलग अलग डायरेक्शंस दे रहे थे, और क्योंकि वो डबल कैमरा शूट था तो ड्यूरिंग द शॉट वो उनको कुछ डायरेक्शन मिली और मुझे उस पर एक्सप्रेशंस देने थे। देन शी सेड कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं तो एंड में करूँगी। तो वो मुझे, मेरे एंड से लगा कि मैं कर सकती हूँ अच्छा, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सामने वाला ही ज़्यादा कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। और क्योंकि आप सीन बनाते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि सीन खा जाना और ये वो, मुझे लगता है आप बनाते हो, ये दो लोगों का है, मैं कुछ भी कर लूँगी ना, हर किसी को अपना अपना काम करना होता है। तो वो चीज़ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। कौन है जिसने सीन खाने की कोशिश किया? सीन खाने की कोशिश करें, बिल्कुल आप करें, एटलीस्ट आप रिहर्स तो कर लें। मुझे सिर्फ ये है कि आप एक बार रिहर्स कर लें, आपको अलग रूम में बैठना है आप बैठिए, आपको जैसे करना आप करें, बट सीन खराब नहीं होना। तो फिर आपने जाके सीन्स देखे किस तरह से हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्योंकि अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं है तो आप कैसे उसको जाने देंगे? आई हैव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि रिसेंटली हुआ है और फिर मेरे दूसरे सीन्स थे दूसरी कास्ट के साथ, पर क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है मुझे एंड तक जाना, और मैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरा काम खराब हो। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताया, ऐसे मैंने सोचा भी सवाल कि आपकी शादी हुई, आपने इतने लोगों को बताया भी नहीं और आप चली गई, शादी के बाद आप वापस आ गए, लोगों को नहीं पता कि आपकी शादी हुई है। सेट पर कभी ऐसा हुआ कि एक और शादी का प्रपोजल आ गया हो? हाँ जी हुआ है ऐसा, नॉट ऑन द सेट पर हुआ है। तो फिर आपने क्या क्या किया और क्या हुआ? कुछ नहीं, रिंग दिखा दी थी दोनों ने, बेबी की पिक्चर दिखा दी थी। तो हमारे यहाँ तो अच्छा, बेबी की पिक्चर, बेबी की पिक्चर, फिर ठीक है, वरना रिंग को हमारे लोग सीरियस नहीं लेते। ओह या, ये मैंने, वो वैसे भी सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, व्हेन यू टेल समबडी दैट यू आर मैरिड, लाइक अच्छा वो तो ठीक है और बताइए। अच्छा, लाइक वो तो ठीक है, मतलब वो है शादी तो ओके। कहाँ काम कर रही हैं आप? भाई जो शादी को भी सीरियस नहीं ले रहा, कह रहा वो तो ठीक है और बताइए। अच्छा अच्छा, ये बता, आपने कभी गरीब का करेक्टर किया? गरीब? हाँ जी, मैं भी लगती हैं आप गरीब लगती हैं? हाँ जी। कैसे? थोड़ा का सवाल ये था, कैसे कैसे होता? मैं ये कौन से गरीब है? कपड़े, बाल, चोटी, खुद से चपलें, लग जाते हो आप? और लग जाती हूँ, मैं लग जाती हूँ। 50% आप करते हो, 50% आपकी लोकेशन दिखा देते हैं कि आप गरीब हो। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, मुझे ये जानना था, बड़ा जरूरी था इस बात से। अच्छा ये बताएं कि हर गरीब, मुझे समझ में आता, गरीब और बदसूरत दो डिफरेंट चीजें हैं। हमने तो बदसूरत बोला ही नहीं, बदसूरत नहीं, नहीं बोला। हमने कहा जिस तरह बोलती है ना, हाँ जी, वो आपके उसमें ना, मैं मान नहीं, गुरबत ढूंढ रहे हैं, हमने नहीं मिल रही हमें। मुझे ऐसा लग रहा था अभी आप एकदम से 3-4 आईफोन निकाल लेंगे और फिर हमें सांसें कमजोरी का शिकार हो जाएगा, फील हो रहा है ऐसा। अच्छा मेरा अगला सवाल देखिए, काशी भाई है, अगर मैं कहूँ काशी भाई सेठ है जी, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं? आपको हंसी क्यों आ रही है इस बात पे? आपको हंसी क्यों? अरे देखें, कह रही नहीं हंसी आ रही और पूरे पूरे जोर से हंस रही। देखें वापस से करते हैं, काशी भाई जो है माशाल्लाह इस चैनल के मालिक हैं। वाह नाइस, दैट्स नाइस। आपकी हरकतें हैं, इनको मोमबली का बंदा ठेला लगा के ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये इसलिए मैंने पूछा था कि अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि हाँ, अच्छा हर एक्टर जो है उसके कुछ ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं, तो कोई ड्रीम कैरेक्टर है जहन में कि मैंने ये करना है एक दिन? जी मुझे, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। बड़ी होके? नहीं मतलब ये तो पीछे लिखा होता है ना, बड़ा होकर ट्रक, रिक्शे के पीछे लिखा। पहले क्योंकि एक्टिंग तो मेरे प्लान में ही नहीं थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, तो अब एक्टिंग करते करते पीरियड प्लेस मुझे बहुत अच्छे लगते, ट्रैक करते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम बनते हैं। जी मैं वही बात कह रही थी कि बहुत कम बनते हैं, लेकिन कभी बना अच्छा प्ले और ऑफर हुआ तो जरूर। तो आपने कहा ये प्लान में नहीं था एक्टिंग करना, प्लान में क्या था? हाँ, कुछ बनना था क्या? दुल्हन? दुल्हन अरे तो बहुत ही आसान जवाब था, लड़की को दुल्हन बनना। नहीं नहीं सच बताया, क्या प्लान था? अच्छा ये करूंगी मैं। हाँ। इंटरेस्ट और क्या था? ये तो दोस्त की वजह से आप उनका काम खा गई, वो एक अलग बात है। अल्लाह आपको पूछेगा इस दुनिया में भी और इसके बाद भी, बचोगी नहीं और वो दोस्त भी पूछेगी आपसे। बात होती है, बात होती है, कुछ नहीं हुआ।
उससे पूछना था कहीं ऐसा तो नहीं है जो रिश्ता आपके लिए पहले उसके लिए आया था। और कहानी हो गई, पूरा सीरियल हो गया। तो पहले रिश्ता काया, फिर काम काया, फिर करियर। वेरी गुड। आई कैन जी बताए प्लान क्या था? ये करना है मुझे। किस चीज का शौक था या नजर आ रहा था ये बन जाऊंगी? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ और, टीचर, कोई फाइन आर्ट्स? मुझे पेंट करना अच्छा लगता था और मैं लिखती हूँ कभी कभी। क्या लिखती है? कुछ भी लिख देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? पहले मैं पोइट्री करती थी। पोइट्री करती थी? मैं मेरे एक शेर। नहीं नहीं, उस तरह मैं डू दिस प्लीज नहीं, ये मत कर। ऐसे करती थी तो लिखा होगा आपने। हाँ देखिए, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन जो मैं लिखती थी वो मुझे नहीं याद होता था आधे घंटे के बाद भी। क्यों? मेरा एक इसीलिए लिखती थी ना, याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस है आपका तो बहुत ज्यादा। नहीं मसला था, इसीलिए लिखती थी। कोई ऐसा शेर जो दिल को छू गया हो तो? यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती? दूसरे शायरों की शायरी। और कौन कोई फेवरेट किसी और का सुना दे कुछ? एक कुछ मैंने जिंदगी में कभी खूबसूरत शायरा नहीं देखी। मैं चाह रहा हूँ आप एक सुना दो। मुझे कुछ भी नहीं आता, एक लाइन बता सकते हैं? एक लाइन बता दे, उसको आधी कंप्लीट कर देंगे। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं? तो एक लाइन मैं बोल रही हूं, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक और सिमिलैरिटी। हां, एक बुक मैंने माशाल्लाह से 4 महीने पहले ही पब्लिश की है। मैं आपको भी दूंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जरूर पढ़ूंगी। उसमें है नहीं कुछ लिखा भाई, उन्होंने कहा बुक बना ले, बुक बना ले, लिख बाद में लीजिएगा। कवर फोटो है, बुक तो बना लेना। तो इसने बुक फौरन बना ली। तो तो पहली लाइन कौन सी याद है आपको? सुनाए। अजीब सा लगा, ऐसा लगा इन्होंने गाली दी। मुख्तसर ये कि अच्छे लगते हो। क्या हो गया? मुख्तसर ये कि अच्छे लगते हो, ये शेर है? एक लाइन है। एक लाइन है, ये है कि अच्छे लगते हो। हाँ बस सही है। नहीं कुछ मैं, अगर आप कुछ अब, नहीं नहीं, ये ये बड़े शायर का शेर है, इसलिए मैं खराब नहीं करना। अच्छा हाँ, बड़े शायर है? नहीं आप बताइए। बड़े शायर, ठीक है। मुख्तसर ये है कि बड़े अच्छे लगते हो। हाँ क्या है मुख्तसर ये कि अच्छे लगते हो? कि अच्छे लगते हो आकाशी भाई? इसके इसके शुरू में पहले भी एक लाइन थी, सच तो ये है आदि तुम अभी बच्चे लगते हो। लेकिन ये अब आदि बताएगा ना, तो उसमें मुझे घबराहट है कि किसी और का बच्चा ना हो जाए। वापस से पूरा शेर पढ़े वापस से। आप पहली लाइन बोले, दूसरी है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे अंदाजा है ये दूसरी लाइन है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ तो है, बस जाने दें। पहली लाइन बोले मुख्तसर ये के अच्छे लगते हो, सच तो ये है आदि तुम अभी बच्चे लगते हो। बात सिर्फ यूं है, ओहो तुम मुझे कच्चे लगते हो। आगे बढ़ा। मैं इसमें आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास ये वाला टैलेंट ही नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे सच्चे लगते हो। ओहो देखो देखो, गुड यार आदि। प्रदीप कौन है? प्रदीप सुधार्थ सिंह कौन है? अरे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रदीप कहां से याद आ गया? तो सॉरी, ये हमारा अपनी। अच्छा तो ये जो आपने चीजें लिखी है, कभी अपने हस्बैंड को डेडिकेट की या पढ़ाई? उनको उर्दू ना पढ़नी बिल्कुल तो सुननी तो आती है। हाँ लेकिन वो सुनाई नहीं मैंने। सुनाई नहीं आपने? नहीं, तो नहीं वो शादी क्या सुनाती हैं? शादी से पहले लिखती थी, शादी के बाद कुछ मैंने स्टोरीज लिखी थी, वन लाइनर टाइप। अच्छा। और डायलॉग्स लिखना शुरू किए थे, बट देन छोड़ दिया। आप अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते? वो यहाँ आए थे छोड़ने, फिर अभी छोड़ने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से? ये मुझे डिफेंस यहाँ नहीं लाता, मर जाओ, शर्म करो, हंसो नहीं आगे से। सुने ये हमारे पास में मैटर है, तो बात ही भूल गया। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया अरे ऑस्ट्रेलिया गरीब ऑस्ट्रेलिया माइट ऑस्ट्रेलिया में रहते हो आप, फोन पे बात करती हैं? हाँ जी। तो आप उनसे ये इजहार करती हैं कि सुनो जब अकेली बैठे? सुनो क्यों भाई, उनसे ही बात हो रही है, इधर उधर थोड़ी देख रहे हैं। अच्छा मतलब आप उनको बोलती कि मैं अकेली बैठा फील लोनली, प्लीज आ जाए, कहाँ है यहाँ? ऐसी कोई लाडियां करती है? लाडियां तो बहुत करती है, पर ये वाली नहीं करती, क्योंकि अभी फिर कौन सी लाडियां? कौन सी लाडियां क्या होती है? नहीं अभी अचार, तो अचार का ढकना खोल दो। अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना, ये सब अकेले होने का तो वक्त ही नहीं आया। अच्छा। ओए होए, मुझे तो लग रहा अभी भी शायरी कर रही है। अकेले होने का वक्त ही नहीं है। वाह वाह वाह, अकेले होने का वक्त ही नहीं है। काशी भाई, काशी भाई बड़ी अच्छी लाइन, बात करें। अकेले होने का वक्त ही नहीं है, मरना चाहता हूँ लेकिन। गुड यार। अच्छा अकेले होने का वक्त ही नहीं मिल रहा आपको? नहीं मैं जब से आई हूँ मैं बहुत बिजी हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इवन बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड करना, और क्योंकि 6 आवर्स का डिफरेंस है, तो मैं जब फ्री होती हूँ तो वहाँ काफी रात हो चुकी होती है, तो मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो वक्त नहीं आया कि मैं अकेली हो जाऊँ और मैं कॉल करूँ।
अच्छा बेबी का माशाल्लाह नाम क्या है आपके? नाम है अजलान सैयद. अजलान सैयद. आपके हस्बैंड सैयद, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? हिदायत सैयद. हिदायत सैयद. हिदायत. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑस्ट्रेलियन नाम नहीं है लेकिन मुझे लगा कोई जोनस वोनस बोलेंगे आप. वहाँ वहाँ जोनस एडिसन वहाँ क्योंकि हिदायत बोल नहीं पाते हैं तो हैरी बोलते हैं. क्योंकि अब गोरों को हिदायत हिदायत. अच्छा हिदायत में हो. आप समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा आप उनको हिदायत बोलती हैं, आप क्या बोलती हैं? मैं हिदायत. आप हैरी नहीं बोलती? मुझे ऐसा लगता है मेरी जो शादी हुई है मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे हस्बैंड है, मुझे उनसे हमेशा बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है. Very nice. तो मैं हिदायत बोलती हूँ उनको. अच्छा हाँ, और सुने तो, उनको भी फॉर्मेलिटी यही फील आई है या वो कुछ और कहते हैं? नहीं उनको भी यही फील. वो भी यही कहते हैं. वो आपको क्या बुलाते हैं? सन्या बुलाते हैं. अच्छा. और अच्छा वो माई लव वाली बात करेंगे तो अपनी दोस्तों को जब बताती हैं उनके बारे में तो हिदायत बताती हैं हैरी? नॉट हैरी, आई नेवर कॉल हिम हैरी. अच्छा सिर्फ हिदायत बुलाती हैं. हिदायत बुलाती हैं. अल्लाह उनको हिदायत दे. चलें आगे. मुझे लगता है वो दुआ मुझे किसी ने दी थी कि अल्लाह इसको हिदायत दे तो उन्होंने हिदायत दे ही दिया. चलता फिरता हिदायत दे दिया पूरा. अच्छा ये बताएं कि उन्होंने कभी हिदायत ने आपका कोई काम देखा है? कोई मतलब देखते हैं वो एक्टिंग शेक्टिंग देखते हैं? जी बिट्स एंड पीसेस. क्योंकि वो इंडिया से वो कहते हैं तुम लोग क्या काम करते हो, काम तो हमारे यहाँ होता है. ऐसा किया उन्होंने कभी? कंपैरिजन वो डिस्कशन का पार्ट था ये कि यहाँ कैसा होता है और वहाँ कैसा होता ठीक है. बट जिताने वाले उसमें नहीं किए. और बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं और वहाँ होती हैं. वो बस वो एक्चुअली उनको है कि यहाँ का काम कैसा है या यहाँ कैसे करते हैं लोग. नहीं वो पहले जा चुके हैं. हमारे सेट पे क्या-क्या चीजें होती हैं? नहीं ही इज कमिंग नेक्स्ट मंथ तो फिर जाएंगे. तो उन्होंने आपके साथ वाला भी एक्सपीरियंस किया कि आप उनके साथ बाहर निकली और फैंस आ गए, लोगों ने पहचान लिया और पकड़ लिया? ओए होए. उसके बाद उन्होंने बोला बड़ा नहीं बड़ी तो नहीं बोलेंगे, बिग 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 इंग्लिश में बोलेंगे ना. बिग बिग बिग. वो इतना प्राउड फील करते हैं जब ऐसा होता है. वाह वाह. हां जी तो उनको होता है कि यार चलो बहुत. आप ऑस्ट्रेलिया गई थी वहां मिले थे फैंस? हां जी हां जी बहुत ज्यादा. कैसे? पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर बहुत. हम गए नहीं. हाँ जी लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है बट चलते में पाकिस्तानी लोग तो होते हैं. अच्छा कभी ये ख्याल आया? इंडियंस भी क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं. अच्छा वहाँ पे कभी आपको ये ख्याल आया कि वहाँ की इंडस्ट्री में काम किया जाए? मैंने किया है, एक वीडियो किया था वहीं पर व्हेन आई वाज इन मेलबर्न एंड आई वाज 3 months प्रेगनेंट, तब किया था एक वीडियो शूट. और फिर अभी जब मैं आई हूँ वापस तो एक और वीडियो किया, उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकती सॉरी क्योंकि अभी वो रिलीज हाँ नहीं हुआ. तो वो गाने का तो वीडियो है? जी गाने का वीडियो. क्या नाम है उसका? लिल आउना है? पंजाबी गाना. ओ पंजाबी सॉरी. हाँ पंजाबी गाना है. हाँ नाइस. कदी सादी गली गा दिया उसके बारे में उनका ही ये गाना है. जी तो वो आप हमें दिखाएंगे जब बन जाएगा? जी बिल्कुल दिखाऊंगी. फिर हम उस पे कमेंट करेंगे. जी बिल्कुल दिखाऊंगी. नहीं वहाँ के लोग डेफिनेटली, वहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, किसी ने ये नहीं सोचा कि यार एक्ट्रेस यहाँ पे मौजूद है यहीं कुछ शूट कर लेते हैं कुछ प्रोडक्शन कर लेते हैं? जी कॉल्स आई थी लेकिन वही कोविड की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, हम तो घर से नहीं निकल पाते. कोई प्लान है आगे? कुछ प्लान है अभी जब प्लान बना तो मैं यहाँ आ गई. अच्छा अगर आपको मौका मिले? जी मौका मिला जी. ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ गया. हेलो दिस इज क्लेटिन, हाउ आर यू? दिस इज हु? क्लेटिन. क्लेटिन मुश्किल नाम होता है ना, उर्दू में कर लेता हूँ ताकि आसानी से खत्म हो जाए बात. हाँ. तो वहाँ से आपको कॉल आ गया कि सुने यहाँ अब ड्रामा व्रामा हम कर रहे हैं या जो भी बना रहे हैं आप यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आप खुश होंगी? आप कहेंगी मैं इस इंडस्ट्री में ही रहना चाहती हूँ? वहाँ शिफ्ट हो जाओ. हाँ और उधर ही काम करें? घर तो वही है ना अभी, तो ये इसलिए तो पूछा है. तो मैनेज किया जा सकता? नहीं मैनेज नहीं, ये मैनेज का मतलब है इधर एक करूंगी दो उधर करूंगी. मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा मुझे उसमें लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरी खुशी है और सुकून है तो मैं जरूर जाऊंगी. सुकून तो वहीं है जहां शौहर है. Exactly, क्योंकि मैं मुझे लगा 3 साल अब्रॉड रहना थोड़ा मुश्किल होता है, आप नहीं रह पाते हैं. पर मैंने वो वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं हुआ. और मैं नहीं कहती थी मुझे वापस जाना है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है. मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था वहाँ पर. तो क्योंकि मे बी बिकॉज आई हैड हिम देयर और मैं खुश थी, तो अगर वो खुशी मुझे नज़र आई जो ऑफर आप बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं करूँगी. ठीक है बिल्कुल ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है. वक्त हुआ है ब्रेक पर जाने का, ब्रेक पर जाएंगे वापस आएंगे. हमारे साथ मौजूद हैं सनिया शमशाद, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो. आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद हैं सनिया शमशाद. हम खेलने वाले दिस और दैट. मजेदार 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 हुआ कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन हैं, उसमें से आप एक ऑप्शन चुन सकती हैं, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकती. जब हम आपसे पूछें तो आपने अपने दिए हुए ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि आपने ऑप्शन क्यों चुना.
ठीक है जी, पहला सवाल, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। ठीक है, कॉमेडी या फिर सीरियस? कॉमेडी। ओके, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ईस्टर्न। निमरा खान या फिर आयजा खान? निम्रा। क्यों निम्रा क्यों और आयजा क्यों नहीं? आयजा बहुत प्यारी है मुझे, ये अच्छा कवर किया आपने, है, लेकिन निम्रा से मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो निम्रा आयजा आपसे दोस्ती नहीं कर रही ये कह रही हैं आप? नहीं, आयजा से उस हद तक की दोस्ती नहीं है, उस हद तक दोस्ती नहीं है, बस निम्रा से। ठीक है जी, मोहसिन अब्बास हैदर या उसामा खान? मोहसिन। क्यों बहुत अच्छे हैं, उसामा भाई में मसाइल हैं। उसामा इज ओके, उसामा के नखरे बहुत हैं। उसामा के नखरे बहुत हैं, आई रिपीट। यही तो नहीं है जो अलग कमरे में बैठे हुए थे? उसामा के मोहसिन आप बहुत अच्छे हैं। उसामा के नखरे बहुत, नखरे बहुत हैं, नखरे ना करें, नखरे नॉट इन अ बैड वे, बहुत हैं, बस तंग करते हैं बहुत। जैसे कि कोई नखरा बताएं उनका, टीज करते हैं। आखिरी बार कैसे किया उन्होंने, क्या तंग किया आपको? कभी अगर आप मेकअप करवा रहे हैं तो उठा देंगे कि आप उठ जाएं, आपका हो गया, और ये वो इस टाइप टीज करते हैं, नखरे उस नखरे तरह से। सही है, ठीक है, बोल दिया था नखरे, लेकिन अब कोई बात नहीं। चलें, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। सरवत गिलानी या फिर यासरा रिजवी? सरवत गिलानी। ओके, विंटर्स या समर्स? विंटर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी। शॉपिंग मॉल में या फिर ऑनलाइन? शॉपिंग मॉल। मॉल में, ठीक है जी। यमुना जैदी या इकरा अजीज? यमुना जैदी। अहमद अली अकबर या वहाज अली? वहाज। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? अवार्ड्स। अवार्ड्स जाती हैं आप? नहीं। तो फिर अवार्ड्स क्यों बोला आपने? क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो जाता है ना। के क्या रजिस्टर हो जाता है? सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, डिड आई मिस समथिंग? अवार्ड्स या नो अवार्ड्स, आपने कहा अवार्ड्स। हाँ, अवार्ड्स। अच्छा, ठीक है, बस हमने यही पूछा था और कुछ नहीं। हाँ, तो यू आस्क समथिंग एल्स देन। चलें छोड़ते हैं। साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। साइकिल चला लेती हैं साइकिल आप? हाँ जी। ठीक, कब से चला रही हैं साइकिल? बचपन से, स्कूल में। चार पहियों से शुरू किया था या दो से? दो से। दो से है ना, ये अमीर लोगों में होते नहीं चार पहिए। ठीक है, एक बूथ जिंदगी या फिर मैं हार नहीं मानूंगी? मैं हार नहीं मानूंगी। क्यों? बस नहीं मानूंगी। I don't give up easily. मेरे projects के नाम है। English में भी है। अच्छा, ये बताएं कि dance party ज़्यादा अच्छी लगती है या high tea party? इतना जोर से dance। Dance? असल में Warren जो है ना, मेरी आवाज ऊंची कर रहा है। बताएं। Dance party? Dance party prefer करती हैं या high tea party? High tea party. High tea parties और dance एक तो मुझे आता नहीं है। I'm very shy. I think I can dance, but I don't. आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, हम पहले आपकी वीडियोस देख रहे थे। जी हाइटीज। हाइटी। अच्छा, ये बताइए, दोस्तों के साथ बाहर घूमना या घर पे बैठ के आराम से चिल करना? घर पे बैठ के आराम से चिल करना। मुर्गी या बीफ? मुर्गी। मुर्गी। बीफ नहीं खाती आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाती। कभी गलती से खा, गलती से कैसे खा लिया? आंखों पे पट्टी बंधी है, किसने मुंह में डाल दिया? वो डिशेस होती है ना, आप टेस्ट के लिए खा लो, पता चलता है बीफ है, बीफ है, फिर आप छोड़ देती हैं। अच्छा, ये बताएं, फ्रूट्स खाती हैं या वेजिटेबल? दोनों खा लेती हूँ वैसे तो। दोनों खा लेती हैं, बताया था मैंने, अभी पूछा था ये सवाल। अच्छा, बस या फिर रिक्शा? बस। बस, बड़े कम लोग बस कहते हैं। बस आपको ये वहाँ वाली बस तो नहीं सोच रही आप? वहाँ तो बस आसान है। नहीं, यहाँ की। यहाँ बैठी है, यहाँ की बस में बैठी आप? हाँ जी। चलती बस पे? हाँ जी। हाँ, चलती बस में चढ़ जाती हैं? यहाँ तो बस रुकती नहीं है ना, चलती में चढ़ना होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ वाकई, यहाँ बस में बैठी हैं आप और आप फिर भी कह रही हैं बस? हाँ जी। ये वो वाला तो नहीं है बस यार? बस नहीं, नहीं, बस बस बस। कौन सी बस का नंबर कुछ याद है? फोर अभी मैं कल रिक्शा में बैठी थी, वो तो शुरू करने बैठी थी ना। बस बताइए कौन सी बस में बैठी हैं आप आज तक? जो बड़ी वाली होती है। नहीं, उसका नंबर होता है W11X3 कौन से, माशाल्लाह वो नहीं पता। अब बैठ गई थी बस, ऐसे ही बैठ गई, जाओ उतार दे, उतार दे। हाँ जी, वो हुआ ये था कि फ्रेंड्स के साथ मैं कॉलेज से आ रही थी और जो ड्राइवर पिक करते थे, ड्रॉप करते थे, गाड़ी खराब हो गई थी, तो हम सब लड़कियां मिलके बस में बैठ गई, घर गई थी जी। तो पता भी नहीं किसी भी बस में बैठ गया? हाँ जी, जो जा रही थी घर पे, जा रही थी, जो जा रही थी घर पे, उसको रोके क्या बोला, घर जा रही है? उसने कहा बैठ गए, वो अपने घर ले गए। बताए ना गाड़ी ठीक हो भाई, हर बस का अलग रूट होता है, आप ऐसे हर किसी बस में नहीं बैठ सकते, और सारी फ्रेंड्स एक ही मोहल्ले में तो नहीं रहती। हाँ, तो हम एक फ्रेंड की तरफ गए। हाँ, मुझे लग रहा है इनकी दोस्त जो है उसको पता होगा कौन सी बस है। मुझे लगता है इनकी दोस्त भी अमीर है। आप बस पराठों को तो नहीं बोलती? अच्छा जी, ये बताएं, ड्राइवर या फिर पैसेंजर? ड्राइवर। ड्राइवर। गाड़ी सही चला लेती हैं आप? हाँ,
गाड़ी सही चला लेती और मेरा क्वेश्चन था नहीं 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 पैसेंजर पैसेंजर नॉट ड्राइवर आई डोंट ड्राइव बिल्कुल ड्राइव नहीं करती आई कैन बट आई डोंट यू डोंट वांट टू हाँ मुझे ठीक है चॉइस की बात है ये बताए जहाज में आप आई हैं हाँ जी आपकी टिकट हो गई अब आप जब बैठने लगी हैं तो इधर भी जेंट्स हैं इधर भी जेंट्स हैं हाँ जी तो आप क्या वो वाली हैं जो बोलती हैं प्लीज सीट चेंज करा दी वैसे लेडीज कर दें नहीं मैं बैठ जाती हूँ मैं बैठ जाती हूँ वैसे काउंटर पे मैं बोल देती हूँ कि मुझे विंडो सीट दे दें और वो बोलते हैं अगर फ्रंट पर नहीं है और पीछे कहीं है तो मैं कहती हूँ ऐसी सीट दे दें जिस आस पास कोई ना हो तो अगर तो मिल जाए ठीक है वरना फिर जो बैठा होता है वो बैठा होता है मैंने भी एक बार कहा था काउंटर पे कि मुझे ऐसी सीट दे दे आसपास कोई ना हो एक्टर हूँ ना प्राइवेसी के मसले हैं उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया आसपास कोई भी नहीं था मैदान डेढ़ घंटा में बाथरूम में बिल्कुल ठीक है अच्छा जी सबा कमर या फिर माहिरा खान माहिरा खान माहिरा खान लड़कों से दोस्तियां करती है लड़कियों से जेंडर मैटर नहीं करता नहीं वो एक ना मेरी गर्ल से ज्यादा बनती है बॉय से ज्यादा बनती है इसकी गर्ल से ज्यादा मेरी गर्ल से ज्यादा गर्ल से ज्यादा गर्ल से ज्यादा दोस्ती होती है मेरी दोनों से बन जाती है वैसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम निकल आए तो लड़कों में भी निकल आए आपका इलाज भी कर रही है दोस्ती को ले दोस्ती प्रॉब्लम निकल आएगा मतलब क्या प्रॉब्लम निकला मतलब उसकी एक टांग छोटी है जैसे मुझे मैं जानना चाहता हूँ आखिरी दफा कौन सी आपने दोस्ती की इसमें प्रॉब्लम निकल आई होती रहती है प्रॉब्लम जैसे कि प्रॉब्लम क्या नहीं लोगों के इश्यूज होते हैं जो आपके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्ती में भी वो लड़का हो या लड़की जैसे मतलब कोई बात बात पे उधार मांग लेते हैं उसका इश्यू हां ये भी हो सकता है उधार वैसे अंडरस्टैंडिंग ना हो उधार दे देती दोस्तों अभी उधार दिया आपने हां जी बहुत बार कितने को उधार दिया बहुत बार वापस नहीं मिला आज तक उधार ली उधार तो वापस करें इंसान की निशानी है उधार लेके वापस ये आप लोग वैसे लोग ये लोग हमसे कैश लेते हैं देख रहे हो जल्दी लोग भी देख रहे हो मैसेज करो भाई रख दो यार और अभी सॉरी का मैसेज करें उधार खाया हुआ शर्म आनी चाहिए अच्छा जी मॉर्निंग शो या इवनिंग शो ओके एक चॉइस बताने जी आप ओके इवनिंग शो इवनिंग शो अच्छा ये बताइए क्योंकि आपकी तो शादी होगी इसका ये मतलब नहीं कि आपकी शादी होगी ये बताइए कि लव मैरिज ज्यादा प्रेफर करती हैं या अरेंज मैरिज समझे अपने बच्चे के लिए अगर आपके यहाँ की तो हो गई लव और अरेंज उस तरह से नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग है या आप देख तो एक जिंदगी गुजारने के लिए लव बहुत छोटा वर्ड है जब मेरे मुंह में पान नहीं हो ना मैं पीक मारता इस बात पे इतनी डिटेल बात की अच्छा बहुत छोटा वर्ड हाँ आपको जिंदगी गुजारने के लिए किसी इंसान के साथ बहुत और बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती सिर्फ लव से बात ही बनती जैसे सिम्पसन जी जैसे का अंडरस्टैंडिंग उसकी आदतें कैसी हैं आपकी एक हमेशा से लिस्ट होती है ठीक है अच्छा। और उसमें और हमेशा उस लिस्ट में जितनी भी बातें होती हैं वो अगले इंसान में नहीं होती नहीं होती है। अगर सात बातें हैं तो तीन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनकी लिस्ट में भी वैसा होगा तो जब आपकी शादी होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो प्यार होता है वो कहते हैं ना कि खिड़की से भाग जाता है ऐसा भी होता है तो आई वुड नेवर से कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें मैं ये कहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को आप फिक्स करें और आप आगे बढ़ते रहें और प्यार होता रहता है रोज होता है और गहरा होता है रोज हो रहा है विद द सेम पर्सन कम ऑन अच्छा तो ये जो आपने जवाब दिया ये तो अम्मियों वाला जवाब हो गया ना फिर से उस सवाल पे आते हैं कि लव मैरिज ठीक है तुम्हारी लिस्ट है कोई कैसी लिस्ट होती है किसी की मेरे पास लिस्ट है हां नहीं राशन की नहीं पूछ रहा यानी कि ये खूबी होनी चाहिए लाइफ पार्टनर में आप सोचते ना ऐसा हो दो तीन मतलब मेरी जो लिस्ट है दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाकी मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ अच्छा ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिंदा 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 जरूरी है मैं एक्सक्यूज मी मैं खानदानी लड़का हूँ मैं करूंगा तो जिंदा से करूंगा ओके ये इसके अलावा दो और दूसरा ये है कि गर्ल हो पूरी प्रॉपर गर्ल हो अगर हम उसका डेथ सर्टिफिकेट निकालें बर्थ सर्टिफिकेट निकालें तो वहां से गर्ल हो ओके ये ना हो कि 2004 में गर्ल हुई है ये मतलब हो जाता है तो अच्छा जी बताएं भी है बस काशी भाई की रिश्तेदार ना हो अच्छा जी बाय रोड ट्रैवल करना पसंद है या बाय एयर एक बाय नहीं आप दोनों जाओ अच्छा पाकिस्तान में मैंने नोट किया है लड़कियां जो होती हैं वो बाय रोड ट्रैवल नहीं करती क्यों फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है सेफ नहीं है ज्यादा अच्छा, नहीं करते आपको क्या लगता अच्छा है? मैंने जो सच्ची बात है मैंने जो मोस्टली सुना है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ लड़कियों को वो कहती है कि वॉशरूम इशू है
कि हम जब ट्रैवल करते हैं लंबा तो रास्ते में ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं, तो लेकिन नहीं, अभी काफी चीजें बेहतर हो गई हैं अब पता अब, नहीं पर मुझे लगता है सेफ्टी सबसे बड़ा है, सेफ्टी भी बहुत बड़ा है, जरूरी है क्योंकि वरना आप बाल मशीन मारोगे। अच्छा ये बताएं, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी, आलू के साथ बगैर आलू? दोनों। अच्छा और बिरयानी जब खाने आती है क्या बोलती है, सीने की बोटी खाऊंगी, लेग की बोटी खाऊंगी या कोई भी बोटी? लेग, आई प्रेफर कि मिल जाए, नहीं मिलता तो कुछ भी खा। अच्छा एक और इस पे आज मैंने नई चीज डिस्कवर किया है, आप अगर थोड़ी सी अच्छी दुकान है ना और वहां जाके बोले यार दो प्लेट बिरयानी ले आओ और दोनों में सीने की बोटी डाल देना, तो वो नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वो मेरे ख्याल से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करते हैं कि अगर एक बंदे से दो ऑर्डर है तो उसको एक चेस्ट देते हैं और एक लेग देते हैं। अच्छा ये मैंने डिस्कवर किया है, आप ट्राई करिए। मैं खुद बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती हूं। तो कोई काम क्यों नहीं करते? बिरयानी बनाती हूं भाई, बिरयानी बनाती हूं बहुत अच्छी। अच्छा बंदा ले ही आता है यार, मतलब कैसे मान ले? मुझे पता है, आप ये ना कहीं ना कहीं तो आप बड़ी आर्टिस्ट हैं। हाँ बिरयानी बनाती हैं। चलें ठीक है, ये बताएं कि ननियाल या ददियाल? ददियाल। और ये मैं अगर आपसे पूछूं बिरयानी की रेसिपी जल्दी सुनाए, सुना देंगे आप? हाँ जी। अच्छा कैसे बनाते हैं आप, आपको जितना भी बिरयानी बनानी है दो लोगों के लिए, क्योंकि मैं दो से तीन लोगों के लिए बनाती थी, तो आपने राइस लिए, आपने उसको अलग से बॉयल कर लिया, ठीक है, और फिर आपने ऑयल लिया उसमें, हाँ जी क्योंकि छुट्टी का दिन है बालों में तेल भी लगाना, उसमें जीरा डाला और मसाले डाले, नमक मिर्चें काली मिर्च, कितने कितने डाले, कुछ डाल दिए ऐसी? वो मैं ये बता रही हूँ कि दो लोगों के लिए बनानी है, आप दो के लिए बना दे, हम दो ही हैं, चलें दो के लिए बना दे, तो दो दो चम्मच डाल दें, दो दो चम्मच, दो चम्मच मिर्च, और अगर चार लोगों तो चार चार चम्मच, चार चार चम्मच, अरे दो चम्मच बहुत ज्यादा होता है, दो चम्मच नहीं फिट मेरी, चार हो तो चार चम्मच फिट हो जाएगा, फिर टेस्ट अगर आपको स्पाइसी खाना है या नहीं तो बिरयानी खानी है, हाँ तो लेकिन उसमें मसाले आप टेस्ट के मुताबिक डालेंगे ना, आपका क्या टेस्ट है, मेरे मैं जो बनाती थी मैं सब एक एक नमक एक एक चम्मच, हाँ जी नमक भी एक चम्मच जी। अच्छा। राइस में ज्यादा नमक लगता है अगर आपको। अच्छा, पता हो नहीं, हमें क्या पता हो, हमें क्या पता, हमारे घर तो पुरानी रोटी पकती है सर। अच्छा और आगे आगे बताए, आपने सब डाल दिया, इसमें टमाटर डाला, दही डाला, कितना कितना? अब दो लोग मैं, ओके नॉर्मली लोग दो डालते हैं, मैं चार टमाटर डालती हूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल बिरयानी है, बिरयानी एबनॉर्मल है, फिर नॉर्मली लोग दो डालते हैं, मैं पागल हूं, मैं चार टमाटर डाल देती हूं, क्यों भाई? चार टमाटर डाले मैंने, थोड़ा दही डालती हूं, थोड़ा दही, थोड़ा दही, दही क्या बोला आपने, थोड़ा दही? अरे हथियारिया मुझे लग रहा है ये बिरयानी में कोई झोल है, बिरयानी बन नहीं रही है वाली, बताए ना प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे हम जाते हैं, हम जानना चाहते हैं आप, मैं आपको कल बना के दे सकती हूं, कल बनाइए, 17 घंटे का थोड़ी है, मासूम गेस्ट बनने देगा, मैं आपको कल बना। अच्छा चलो बिरयानी को स्किप करते हैं, कोई बात, बिरयानी माफ कर दीजिए, बताए देखिए मुर्गी नहीं डाली बिरयानी में, आलू भी नहीं डाला, अभी तो मसाला बनना था, फिर अच्छा फिर चिकन, ये हम सुबह शो करते हैं असफर का, उस पे आ जाएं आप, ठीक है, वो पूरी बिरयानी बना के दिखाइएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये बताइए झूले झूलना या झूले झुलाना? झूलना, झूलना, ठीक है। वो वाला झूला पसंद है वो जो पकड़ के बैठते यूं यूं जाते हैं, पिंक क्या, पिंक क्या जी, पसंद है? क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी लेकिन उनका छोड़ो, खड्डे में डालो, पसंद है। झूले का नाम क्या है जो आप पूछ रहे हैं? झूले का नाम थोड़ी वो वाला पकड़ के स्विंग, स्विंग जी, मैं बैठी नहीं उस पे, नहीं बैठी है। अच्छा ये बताइए नहीं बैठी आप? कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, हमारे यहाँ तो पैदा होती बच्चे को बैठा देते हैं, हमारे यहाँ होता ही स्विंग है ना खाली। अच्छा लेट या फिर पंक्चुअल? पंक्चुअल, पंक्चुअल, ठीक है। कैट्स या डॉग्स? डॉग्स, थैंक यू, गुड यार, जो गेस्ट आता माशाल्लाह पसंद करता है। एक्शन या फिर हॉरर फिल्म्स? एक्शन, एक्शन। चाय या फिर कॉफी? चाय। वोट या फिर नो वोट? अभी तो नो वोट, अभी तो नो वोट का क्या मतलब? लास्ट टाइम दिया था वोट आपने, किसको दिया था? किसको? इन्हीं को। तो अभी आप खुश हैं या अफसरदा हैं या शर्मिंदा हैं कि आप भी उसी का हिस्सा हैं? Can't you see my tears? हैं? ओह, रोना आ रहा है। बल्ला महंगा पड़ गया, बल्ला महंगा पड़ गया। घबराना नहीं है। अच्छा ये बताएं कि निदा खान या फिर निदा खान, नादिया खान या फिर निदा यासिर? निदा यासिर। क्यों निदा यासिर क्यों और नादिया खान क्यों नहीं? अच्छा ओके, अगेन निदा से दोस्ती ज्यादा है और नादिया से थोड़ी कम है। अच्छा अब मैं ये ऐसा होता नहीं गेम के बीच में मैं कोई बात करूं, लेकिन मैं एक बात करने लगा हूं, फंसी हुई थी और अभी मौका आ गया जी। ये मैंने देखा था एक जमाने में, बल्कि अभी भी लोग बड़ा बातें करते हैं मॉर्निंग शो को कि जी ये मॉर्निंग शो क्या बकवास होती है, रोज सुबह आ जाते हैं, कभी शादियां करा रहे हैं, कभी मेकअप का बता रहे हैं, कभी खाने पका रहे हैं, ये क्या फजूल चीज है, कूल लोगों के लिए फजूल चीज है जी।
तो मुझे ये बताया डिजिटल मीडिया पे भी तो यही हो रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आज जो हूँ मैं घर से निकली हूँ, आज मैं मेकअप करूंगी, अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आपको पोछे ऐसे यूं नहीं हो, तो आप भी तो वही कर रहे हैं, पर तो आप वो डिजिटल पे कूल हो गया। पर आप अभी देखें तो आप मॉर्निंग शोज को बातें नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन अभी भी लोग उसको वो नहीं समझते कि यार ये तो एवी नीचे की चीज है, लेकिन आप सब लोग भी वही कर रहे हैं। सॉरी टू से। बिल्कुल ठीक है जी। फिल्म सिनेमा में देखती हैं, घर पे देखती हैं? अभी 2 सालों से तो घर में देख रहे हैं, लेकिन बीच में पहले सिनेमा। और सिनेमा में अकेले जाना पसंद है या कोई हो? फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। अकेले नहीं जाती? अकेले भी एक बार गई थी। सो लोनली ना। ठीक है जी। यशमा या फिर जुबाब राना? यशमा गिल। ठीक है जी। सोशल मीडिया? नो सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया। ठीक है। खाना पकाना या खाना खाना? बनाना। खाना बनाना। अच्छा ये बताएं, बकरा ईद पे जी बकरा तो कटता होगा? हाँ जी। बकरा कटता है, गाय कटती है, क्या करते हैं? डिपेंड करता है, कभी दोनों कट जाते हैं। तो भी दोनों कट जाते हैं भाई, हम यहाँ किस्तों पे बकरा ले रहे हैं, जिसका रेट अच्छा मिल जाए। बकरा ले रहे हैं। मैं आज तक वैसे दे रहा हूँ। तो बकरा कटता है, गोश्त आ गया, गोश्त जमा हो गया, अब आप क्या करती है? अम्मी डोंट कॉल मी डाउनस्टेयर्स, या फिर आप नीचे जाके होती है, अच्छा ये थैली इसकी बना दो, वो थैली, डोंट कॉल मी डाउनस्टेयर्स। अच्छा वो वाली है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स या फिर कलीग्स? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ठीक है जी, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। आखिरी 2 इम्पोर्टेंट सवाल, एक आदि पूछेगा एक मैं पूछूंगा, तो आपने सोच समझ के जवाब देना है। पहला पूछेंगे आदि भाई। जी आदि भाई, आज जो मैं सवाल बना के लाया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा आज। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी जो गेस्ट है, क्या वो इस बारे में बात करना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है, तो मैंने एक बनाया है। आप जो भी जवाब देंगी वो पाकिस्तान की लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको खास तौर पे टीवी पे एक बार चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा, और गलती से ये वाला पार्ट हमारा वायरल होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है हमारी नई जनरेशन के लिए? जी। इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, प्लास्टिक वाली शलवार या नाड़े वाली शलवार? नई जनरेशन के लिए क्या बेहतर रहेगा? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, इट इज नॉट अ जोक। नाड़े वाली में। नाड़े वाली? नाड़े वाली। अरे आपको हंसी क्यों आ रही है? आप इमेजिन नहीं करें ना, सिर्फ जवाब दे। आप कह रही नाड़े वाली है, नाड़े वाली नहीं? नाड़े वाली नहीं, मतलब लास्टिक वाली। लास्टिक वाली तो आप कहते थे, नाड़े वाली नहीं। सही है, ठीक है, लास्टिक वाली आपको लगता है कि ज्यादा प्रेफर करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। आपसे आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमें काशी भाई कुछ सुनाएंगे। आदि या फैजान? फैजान। फैजान। थैंक यू सो मच जी। अब वक्त हुआ ब्रेक पर जाने का, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ब्रेक पर जाने से पहले काशी भाई कुछ सुनाएंगे। काशी भाई क्या सुना रहे हैं जी? एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जाना, जो कि आदि भाई को बहुत पसंद है। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत मजे का शो हो रहा है। हाँ। और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है सनिया शमशाद, अब हम इनके साथ खेलेंगे विस्पर चैलेंज। मजेदार। होगा कुछ यूं कि हम आपको हेडफोन पहना देंगे, हम आपसे कुछ पूछेंगे, आपको गेस करना है, इसी तरह वाइस वर्सा सब पे चलेगा। ये आप ले लीजिए, और जो जीतेगा ये वाला सेगमेंट उसको कुछ नहीं मिलेगा। कैसा? क्लियर कर दूंगा। कितना इंटरेस्ट है? चले, गानों की आवाज तो मुझे याद आ रही है। चलिए पहला वर्ड आदि पूछेंगे आपसे। ऑस्ट्रेलिया। बड़ा आसान है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अरे पकड़ा, वेरी गुड। लाइन ससुराल नहीं पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? जबरदस्त। ये लीजिए, अब आप इनसे पूछिए, इतना आसान मत पूछिएगा। ओके, क्या लें? पाकिस्तान। मैंने कहा था आसान मत पूछिएगा। पाकिस्तान। ओह, आप लोग क्या घुमा रहे लोग? नहीं, वो मुझे मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने भी ऑस्ट्रेलिया बोला था, तो उनके जहन में मूल चल रहा था। कैसा? आप पूछ। भिंडी। हाँ, भिंडी। बी। भिंडी। बी। भिंडी। बीट। भिंडी। ये कह सकते हैं? ऐसी होती है ना? हाँ? बीट। भिंडी। बी है। बी है। हाँ। डी।
भिंडी बी बी नहीं हाँ। क्या हम इन्हें हेल्प कर सकते हैं हाँ। अच्छा इनको 500 दे दें भिंडी हाँ भिंडी गैस नहीं कर पा रहे यार आप भिंडी खा के होती है ना चलें पूछे बैंगन भिंडी नहीं नहीं खाने का इशारा ना अच्छा he said we can help अच्छा हेल्प नहीं कर सकते कर लें लेकिन इतना ऑब्वियस ना कर बैंगन क्या कर रहे हैं दोनों बैंगन ओ बैंग बैंग हाँ बैंगन बैंगन अच्छा पहले कंट्रीज में घूम रहे थे फिर सब्जियों पर उतराए हम लोग हैं अच्छा नहीं रुक जाओ मैं पूछता हूँ बीमार थोड़ी हूँ अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे लंगड़ी बिल्ली टिट फॉर टैट वाह भाई बिल्कुल करीब अच्छा हाँ चल इनके ड्रामे का नाम पूछता हूँ दस्तारे अना व्हाट दस्तारे अना दस्तारे अंडा दस्तारे अना दस्तारे दस्तारे दस्ताने सैनिटाइजर दस्तारे 1 2 3 4 5 दस तारे तारे दस बल्ब तारे स्टार्स तारे दस तारे दस तारे दस तारे अना दस तारे अना रामदान Well done. आपके अपने ड्रामे का नाम हमने पूछा था दस्तारे आना सबके सब पॉइंट्स सबके सारे पॉइंट्स हैं कोई हार ही नहीं रहा कुछ मुश्किल पूछे हैं जब वी मेट उर्दू है जब हाँ 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 जब वो जब वी मेट जब तब जब अब कब अब तो अभी होता है हाँ जब अब तब जब अब कब जब अब कब सब जब हाँ जब 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 वी मेट ओ जब वी मेट लाइन अब तब सब कब सब कर दिया तुमने चलें आप पूछिए क्या मुझे लग रहा है मेरी पुप्पी से बातें कर रहा हूं मैं चेकिंग मैं शादी नहीं करूंगी अच्छा आप लोग आपस में कर ले पहले चर्च चाची करो ना नहीं समझ आ रहा ना चाची अच्छी हाँ। अच्छी नहीं भाई नहीं हो रहा सचिन तेंदुलकर यार क्या यार क्या तुमने गैस नहीं है हाँ सचिन तेंदुलकर आपकी बारी अब वैलेंटाइन्स डे अरे वाह फैंटास्टिक ना वैलेंटाइन्स डे फैंटास्टिक वैलेंटाइन्स डे दफाओ तो यूं होता है वैलेंटाइन्स डे यार आप तो सारे गेस कर लिया आपने कैसे कर लिया ये गेम खत्म नहीं होते जब तक कोई एक नहीं हारता हाँ, अभी आप हारे वो तो मैं एक पॉइंट हारा हूँ ना खाली अच्छा। चीको सलावा किया है क्या है नहीं गए में चीको सलावा किया शोर शराबा चीको सलावा किया चिट्टा शोर शराबा चीको सलावा किया छोटा कबूतर बड़ा कबूतर चेको सलावा किया
उर्दू है? नहीं पंजाबी नहीं नहीं उर्दू है उर्दू 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 चेको से लावा किया उस तरफ आ जाओ इस तरफ आ जाओ क्या है चेको से लावा किया छोड़ दो ये वाला है चेको से लावा किया छोड़ने वाला नहीं भाई चेको से लावा किया इरफान मोदी वाला चेको से लावा किया यूं करने वाला चेको से लावा किया यूं जाने वाला चिको सलावा किया सीधा जाने वाला चिको सलावा किया चिको सलावा किया क्या है ये हटाओ चिको सलावा किया है हाँ जगह का नाम है चिको सलावा किया चिको सलावा किया भाई जगह का नाम है यूको सलावा किया का उर्दू वर्जन है चिको सलावा किया अच्छा मुझे नहीं कोई बात नहीं चलें पूछें यार इनको तो हराओ एक नहीं हम खुद ही हरा लेंगे ना जानबूझ नहीं अभी हार जाएंगे नहीं हम खुद करते हैं ना केकड़ा 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 अंडा केकड़ा केकड़ा ये मुंह वाले देख केकड़ा रोबोट केकड़ा रोबोट केकड़ा 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 अकेला केकड़ा डंडा केकड़ा 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 दरख्त केकड़ा बहुत आसान है केकड़ा केकड़ा कीड़ा केकड़ा 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 बिच्छू केकड़ा 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 लकवा केकड़ा लकवा उनको मेरी शक्ल से लग रहा है केकड़ा केकड़ा अकेला केकड़ा 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 केक कटना केक काटना केक छुरा केक अड़ा कैसे करोगे केक कड़ा केक 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 हाँ अड़ा केकड़ा ओ नाइस यार केकड़ा गैस कर लिए यार मैंने कड़ा किया था ना अच्छा जी कोई हार ही नहीं रहा ये तो सुबह तक चल सकता मुझे लगता है नहीं आखिरी कोशिश है हमारी चलो चलिए पूछिए कलंक बिल्ली क्या कलंक क्या कलंक इट्स अ वर्ड नो कलन कलंक 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 मैंने कहा कल कलंक का टीका हाँ कलंक अच्छा मुझे हेडफोन पहना के वो कुत्ता बन हो रहा है अच्छा मैं डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है साइकिल नहीं नहीं डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है साइकिल टी-शर्ट अरे भाई डिसाइड करने के पूछें क्या डिसाइड कर पूछना क्या है आप करके दिखाएं साइकिल बेचना ऐसी करें साइकिल बेचना हां डिसाइड करें कि पूछना क्या है डिसाइड कर रहे हैं कि पूछना क्या है अरे भाई साइकिल उड़ गया डिसाइड कर रहे हैं कि पूछना क्या है क्या है साइकिल पे पहुंचो आप करके दिखाएं यही वाला डिसाइड करें कि पूछना क्या है साइकिल बहुत सारी हैं नहीं भाई हम डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है सब एक साथ करेंगे डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है वो देखे पूरे सारे एक साथ कर साइकिल है इसमें सब कर रहे हैं देखे साइकिल है मैं चाहता हूं उधर दिखाएं साइकिल है नहीं बैंड को दिखाएं हमारे बैंड को दिखाएं बैंड को दिखाएंगे वापस वापस डिसाइड कर रहे हैं कि पूछना क्या है आगे कहां पहुंचे असल में हमने ये गेम खेल रहे हैं और पॉइंट नहीं बन रहा था तो हमने सोचा कि अब तुम्हें फंसाएं कैसे तो हमने कहा डिसाइड कर रहे हैं कि पूछना क्या डिसाइड कर रहे हैं कि पूछना क्या ये क्या? अभी वो देखो सब करके दिखाएंगे कलाबाजी खा के गिर गया नहीं पापा क्या है असल में मैं कह रहा हूँ हम डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या है तुमने उसके बीच में पूछ लिया कि क्या हो रहा था हमने कहा डिसाइड कर रहे थे कि पूछना क्या काफी अच्छा लगा मेरे दोस्त को इट्स ओके जी अब हम आपके साथ खेलेंगे एक्सप्लेन योरसेल्फ मजेदार 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 आपकी कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे okay. आपने देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं अरे वाह भी गई हाँ जी कब कहाँ की तस्वीरें कुछ याद है आपको ये मेलबर्न की पिक्चर है और मेरी बर्थडे की पिक्चर है अच्छा माशाल्लाह किधर हैं आप मेलबर्न की पिक्चर है और बर्थडे की पिक्चर है अच्छा सुबह 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 बर्थडे कर लेते हैं वहाँ पे क्योंकि लॉकडाउन था तो सिर्फ चार लोग जा सकते थे हम बोट पे गए थे और वो उन्हीं आवाज में जा सकते थे अच्छा इसलिए सुबह में गया जी बोटिंग के लिए अच्छा ऑस्ट्रेलिया सुबह नहीं थी एक दो बजे का अच्छा एक दो बज रहे ठीक है क्या पूछने लगे आगे अच्छा आगे चलें अरे ये मेरे प्ले की पिक्चर है बिट्टो
प्यारी बिट्टू मैंने मुझे ऐसा लगता मैंने ये देखा हुआ है जी एक्सप्रेस पर था सानिया आपा के साथ अतिका आपा थी फरा आपा थी सही है मजर मोइन ने वो किया था डायरेक्ट और तो इसमें गरीब कैरेक्टर था आपका जी ये कौन सा गरीब गरीब एंड नहीं उन्होंने बताया था ना चोटियां उठियां बांध देते जब गरीब करते थे बदतमीज भी बहुत बदतमीज थी आप फिर क्या हुआ हादसे के बाद ठीक हुई आप नहीं वैसे ही अभी बदतमीज था मेरे ख्याल से अच्छा रियल लाइफ में अच्छा आई थॉट कैरेक्टर वो चलें जी ओए होए होए शरबत गिरा था आप पे ये दस्तारे आना जो आपने दस्तारे आना जी ये कौन सी जगह इसका शूट कर रहे थे हम टीजर ही शूट कर रहे थे ये कहां पे कश्मीर पॉइंट के पास में जगह अच्छा ये टीवी वन का प्रोजेक्ट था बड़ा जबरदस्त ये कपड़े पहन के आप कश्मीर पॉइंट पे जब घूम रही थी तो क्या हो रहा था कुछ नहीं ड्रेस पूरा फट गया था क्योंकि मुझे पूरे जंगल में भागना था तो ड्रेस फट गया था अल्लाह एक्टरों को क्या क्या करना पड़ता है ये मोहसिन दलत ने सजेस्ट किया था ये पहने आपको पता है इसके बाद मैंने खुद ये वार्डरोब डिजाइन करवाई थी अच्छा जी जी और ये आपने कपड़े खराब हो गए और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने प्रूव कर दिया था ये खराब कर दो खराब नहीं नहीं ड्रेसेस तो बहुत सारे थे तो एक खराब अच्छा वैसे मैं गेट टुगेदर पे गया था वहाँ मोहसिन भाई ये पहन के आए हुए थे मैं से वार्डरोब वापस ले लिया था आगे अगली तस्वीर चल आगे चले अरे पर निकला है आपके भाई मीडिया में आई है लड़की पर निकला है वो है ये भी ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर है मेरे आने से एक हफ्ता पहले हम फ्रेंड्स के साथ डिनर गए थे तो नया एक कैफे लॉन्च हुआ था वहाँ पे तो हम वहाँ गए थे मैंने पिक्चर ली थी रियली लाइक दैट इतनी मशहूर है आप लाइक तो एक ही आया हुआ है नहीं नहीं वो उन्होंने बनाया हुआ है एक आया हुआ है अच्छा वो अलग है हाँ जी आगे चलें अरे वाह फिर बर्थडे आप क्या साल में दो चार बर्थडे मना रही हैं कितनी बार पैदा हुई उससे पहले रात में पैदा हुई नहीं रात में केक काटा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर रात में फ्रेंड्स आ रहे थे चार चार पांच पांच लोग कितने दिन चलती आपकी बर्थडे एक दो दिन चलती एक दो दिन सालगिरह चलती है आपकी वेरी नाइस आगे चले अरे वाह ये पाकिस्तान तो नहीं है मैं लिख के बता सकता हूँ जी ये रेड फॉरेस्ट है जी हाँ ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है वहाँ गए थे तो ये इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेता कौन है आपकी मेरे हस्बैंड लेते हैं अच्छा जेम्स जी क्या कहती है उनको प्यार से मैं तो हिदायत बोलती हूँ नहीं वो जो हैरी की आपको पता है मुझे क्योंकि शायद मेरी फील्ड की वजह से पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है फिर उन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी किया था अरे आपके लिए ऑनलाइन कोर्स करवा दिया आपने उनको आप एक साल गुजारे हो मेहंदी लगाने का कोर्स भी कर लेंगे आपको पता है वो कर ले वो मुझे बताते हैं कि मेकअप के बारे में चीजें या मुझ पे जो सूट करता है मुझ पे नहीं करता तो ही हेल्प्स क्यूट आदमी माशाल्लाह ही सो इनटू यू ये इतनी अच्छी बात है यार वेरी नाइस बहुत अच्छा लग रहा है ये उन्होंने ही पिक्चर ली और आपको ओए ये भी जी यार हैरी आप उनको पाकिस्तान ले आओ तो दो सीरियल डायरेक्ट करा लेते हैं हाँ हाँ इतना तो और बाहर से बंदा आ जाए तो फिर तो पागल हो जाते हैं सुनो मैंने कैसे पहचाना है पाकिस्तानी क्योंकि पीछे ना जूस के डब्बे फटे हुए पड़े हुए ना कचरा है चपले पड़ी हुई है तो इसका मतलब है ये पाकिस्तानी थैंक यू पगले ये आप लोग के लिए लेसन है वैसे जो आप लोग टीवी पे देख रहे हैं ड्रम वाले भाई ने यूं किया कि खींच के मारूंगा ये क्या हुआ आपको बॉनफायर कर रहे थे नहीं नहीं ये जगह ही ऐसी है हैरी के स्किल्स हैं तो ये पीछे कौन अपनी चप्पलें भूल गया था ये जिसके घर पे गए थे उसी की चप्पलें हैं वो अपने घर में चप्पलें पहन के नहीं घूमती हाँ वो ये उनकी बर्थडे की पिक्चर है उनकी बर्थडे पे नंगे पैर घूमते हैं खानदान में सब पैदा ही हुए हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया में रिवाज है बर्थडे पे नंगे पैर घूमते हैं अच्छा हाँ बेयर फीट घरों में चप्पलें उतर जाती हैं गेट पे फिर ये बड़ी बात है ये तो ये खाली ऑस्ट्रेलिया में अच्छा होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ये भी मेरे ज़हन में आ गया अक्सर लोगों के घर होता है कि चप्पलें बाहर उतारते हैं जी आप उससे अग्री करती हैं डिसएग्री करती हैं बिल्कुल टार्निश अच्छा जूते हैं ना और नहीं अगर आप देखिए इतनी फैंसी से तैयार होके आई हुई हैं और फिर आप खड़े लगे नहीं लेकिन बाहर तो आसान है ना ये करना बाहर तो ऐसे ही होता है लोग बाहर ही अच्छा रखते हैं हमारे यहाँ मसला है ना कि आप बाहर उतार तो फिर आप निकलो बाहर तो दूसरे बच्चे घूम रहे हैं सामने वाला पहन के चला गया यार मैं दही लेने गया था जूतों के ऊपर और 10 जूते आ जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं था नहीं होता अच्छा उतार देता जी अच्छी बात है ये घोड़े की सालगिरह थी ये मैं दुबई गई किसी ना किसी की तो आप सालगिरह से बाहर नहीं आ रही तो हमने कहा शायद नहीं मैं दुबई अच्छा। गई थी कहाँ गई थी दुबई की दुबई की तस्वीर ओह नाइस घोड़े होते नाइस आगे चले अरे आपने कहा था आप ये झूली नहीं आप बैठी मैं झूठ बोल रही हूं आपसे मैंने आपसे बोला था ये वाला मैंने यही वाला पूछा था स्विंग हां ये वाला इसमें देखिए मेरे प्ले की पिक्चर है नहीं आपने कहा था नहीं बैठी कभी इस पे मुझे लगा आप दूसरा वाला पूछ रहे हैं इस वाले अच्छा, पे ओ, अच्छा ऑलराइट आगे चलें अच्छा अरे वाह
ये कितनी डिफरेंट लग रही हैं, नवीन लग रही हैं आप, नवीन वकार। ये कौन सी लेकिन आप तो बैंक्स में बहुत अच्छी लगती हैं। आई थिंक इट्स मिल्क एंड हनी। क्या कौन हो गया बुक कुछ है ना हाँ। क्या कह रही है, क्या बोल देती है एकदम से आप बीच में एक और शो भी कर रही है अलग से बुक का नाम बताया उन्होंने मिल्क एंड हनी। अच्छा बुक का मिल्क एंड हनी बुक का नाम है आई गेस सो। पहले इस बुक का नाम था मिल्क एंड हनी, अब क्या नाम है मिल्क एंड हैरी, क्योंकि हनी इज हैरी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चले। अरे वाह, नहीं तो आप लगी नहीं थी। हाँ कोक स्टूडियो। अच्छा नहीं, बालों का फर्क है ना, यहाँ बाल स्ट्रेट है, वहाँ बाल। मेरे बाल कर्ली हैं बेसिकली। असली बाल कर्ली हैं आपके जी? आपको पता है कर्ली बाल बहुत क्यूट होते हैं जी। आई नो, आई लव देम, तो इसलिए स्ट्रेट किए हैं आप। वो कैरेक्टर की वजह से, अभी मैं मुझे शूट पे ही जाना है यहाँ से तो। अच्छा, ये इनके कहने मतलब था जल्दी खत्म करें, मुझे शूट पे जाना है। आगे चलें। अरे वाह, मैं आ गया, मैं भी हूं। वेरी नाइस, क्या नाम है इनका? इंग्लिश में पूछूंगा, इट्स अ कुत्ता और कुतिया। क्या है, क्या हो गया? नॉर्मल सा सवाल है। हाँ जी, कोई कुत्तियाँ है? आप कह सकती थी फीमेल डॉग। आपने जो सवाल किया हाँ, उसे, हाँ जी। क्या सवाल किया मैंने? आपने पूछा एक कुत्ता है कि कुत्ती है, मैंने कहा कुत्तियाँ है। तो ठीक है, मैं हंसती क्या बात, तो मुझसे पूछो ये जैकेट है या शर्ट है। जैकेट है, जैकेट है, हंसी तो नहीं आ रही। आप बताए कुत्ता है या कुत्तिया है? ये कुत्तिया है। तो इसमें हंस क्यों रही हैं? क्या हो गया भाई? ओके, इनका नाम क्या है? पोपो। हैं? पोपो। पोपो? यस। एक सेकंड, अब मुझे टेंशन हो रही है। आपके बच्चे का नाम क्या है? अजलान। अब ये इसका नाम पोपो किसने रखा है? ये मेरा नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये मेरा नहीं है ये। मैंने कहा नाम की वोकैबुलरी इतनी बुरी है। कहीं गई भी थी जिसकी बर्थडे थी। अच्छा इनका नाम, अच्छा इनका नाम पोपो किसने रखा है, मैं जानना चाहता हूँ। जिनका बच्चा ये? जिनका था नहीं तो ये अमीर है जिनका है। जिनका नहीं है, कुतिया ना, तो कुत्ते का बच्चा होगा। नहीं नहीं, द ऑनर्स। ऑनर्स वो अमीर है। द ऑनर्स समझाता हूँ मैं, मुझे लगा डिग्री मिली। ओके ठीक है, तो वो अमीर है तभी नाम पोपो रखा। गरीब अमीर है लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, पोपो नाम रख दिया बच्चे का। इसका नाम पोपो नहीं रखता, जैसे मेरे घर में मेरी अम्मी ने नाम रखा हुआ है जी आदि। हाँ जी, तो आदि बोलती है मैं आ जाता हूँ। बिल्कुल वही फीलिंग है जैसे पोपो आ जाता है। पोपो यार, लेकिन पोपो बहुत क्यूट है। पोपो बहुत क्यूट है लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है। अरे ये इसी साल की रहती है, यहाँ क्या? ये तो नकली है। ये नकली है? नहीं, घोड़ा है। अरे नकली है, शीशे में बंद है। हाँ ये वो इफ यू नो अबाउट फार्लैप, ये उनकी है, उनको स्टोर किया गया है और ये म्यूजियम की पिक्चर है। म्यूजियम की पिक्चर है सर। तो आप ये कह रही है ये असली घोड़े को केमिकल लगा के जी? ओ मेरे एक मूवी भी है इस पर फार्लैप। अच्छा, मेरे एक जानने वालों के घर में वो हैं दो बड़े टर्टल्स, वो ये केमिकल वाले ना। अच्छा। तो हम जब छोटे थे तो वो जब मैं सोता था ना तो मुझे ऐसा लगता था मुझे यूं देखता है वो। मुझे इतना डर लगता था उस कमरे में, मुझे याद आ गया वो केमिकल लगा होता और वो होते पूरे असली हैं। क्या हुआ? वो टर्टल ने भी मुझसे यही शिकायत की थी। मैं उसको देखता भी नहीं लगता था कि तू उसे देख रहा है। चल ये लो। हाँ जी, अरे वाह, ये तो वही वाला है। कश्मीर पॉइंट, दस्तारे ना, कश्मीर पॉइंट, मोहसिन तलत। कश्मीर पॉइंट नहीं, अब लोकेशन बदल गई है, ये वही है जहाँ हम स्टे कर रहे थे। कहाँ स्टे कर रहे थे? और मैं भूल गई एकदम। कश्मीर पॉइंट पे नहीं, ब्राइट लैंड मरी में कोई तलत, मोहसिन तलत। हाँ जी हाँ जी, तो ये होटल के बाहर ब्राइट लैंड जगह का नाम था ना, या जहाँ आप लोग ठहरे हुए थे, होटल का नाम जी, था जी, 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 जी। मैं वहाँ उस वक्त स्पॉट बॉय था ना, मुझे पता है। नहीं आप नहीं, नहीं, नहीं बाकी नहीं, नहीं, आप नहीं थे। अरे नहीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मोहसिन भाई डायरेक्टर थे इसके, आप लोग ब्राइट लैंड में ठहरे थे जी वहाँ। तो कैसे पता? तो मैं वहाँ था ना, ENG में काम करता था पहले, मैं माइक लगाता था बाकी में। अरे इनको यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पे? ये माइक लगाता था और मैं क्या करता था, जिस सेल में करंट नहीं, ये भी लगाता था लेकिन माइक नहीं था वो, जिस सेल में करंट नहीं आता ना, मैं क्यों करता था? पता नहीं पाकिस्तानियों की क्या आदत है, हम एक अलग स्पीशीज है इस दुनिया में। आप मैं आपको याद दिलाऊं, आपको यकीन आ जाएगा, आप मजाक समझ रही हैं। हम सब एक हॉल में बैठ के खाना खाते थे। नहीं जी, आप बताइए कैसे पता है? अब ये मत बोलिए कि ये मुझे मतलब ऐसे ही। आप एक बात याद दिला दो, मिलने आए होंगे, आपका शूट हो रहा होगा, आपको पता है कचरा भी। अरे बहाने ढूंढते थे माल रोड जाने के हम लोग। हाँ जी, आप बताएं। अब ये मैं, अब ये सब ऐसे तो नहीं चल रहा ना, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा?
मुझे लग रहा है आपने वैक्सीन गलत लगवा लिया। नहीं ये कह रही है कि ये बूस्टर भी लगवा चुके, बूस्टर लगवा ले, तेज हो गए आप फिर लगवा के आई। देखें दोनों हमारे बड़े सीनियर्स थे लेकिन उसमें आपस से हम लोग बचा करते थे कि कहीं मतलब आप बताइए कैसे बताए। बिल्कुल ये बड़ी एक्ट्रेस है ना, इन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया। आप मुझे आपको तलत भाई ने बताया होगा, मोहसिन भाई ने। ये इतना क्यों बताएंगे कि मोहसिन भाई ने बताया, मतलब क्या मैंने मोहसिन भाई से ऐसे लिखवाया आपके ऊपर? मुझे क्या पता, कोई बात नहीं बता होता पड़े, मेरी तरक्की को मानी नहीं रही है। वो बड़े एक्टर्स को छोटे हैं जो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं ना। आप मुझसे कुछ और पूछने चले शूट के बारे में, अब तो मेरी आपको मैं कन्विंस करके रहूंगा। मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगता था? तैयार होने में 1 घंटा 45 मिनट। कोई बात नहीं फैलान, मैं तेरे साथ हूं। आप थे, मुझसे गलती हो रही है, मैं आपसे सॉरी कहती हूं। नहीं सॉरी से क्या होगा भाई, कोई कैश वैश दे मतलब सॉरी। अरे तुम घटिया ही हो। चले आगे चले। अरे वाह, अरे वाह, कौन है चिड़िया लग रही हैं आप? ये भी बर्थडे थी दस्तारे ना का ही कोई शॉट है। दस्तारे ना का शॉट तो नहीं है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया वो। ये किसी ये एक बूंद जिंदगी देखा, मैं आपसे कह रहा हूँ दस्तारे नामे मैं था, ये नहीं एक है वो जिंदगी। एक बूंद जिंदगी जी, ठीक है आगे आगे चलें। अरे वाह, अरे वाह, ये देखे ऐसी कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? और ये नकली है, ये असली भी नहीं है, है ना? अरे वाह मान ले, ये पोज है। हाँ जी, नहीं वो कह रहा है ये आईपैड नकली है। नहीं वो कह रही, देखो मेरे पास आईपैड है, बिकॉज यू नो Harry, आगे चले। ये किधर है, किधर बैठी हुई आप? ये शूट पर जाने से पहले की पिक्चर है, 2 से 3 दिन। इतनी खुश होती हैं आप जाने से पहले? मैं खुशी होती हूँ। अच्छा, मैं तो जिस सेट पे गया हूँ सुबह एक्टर सारे यूं ही आते हैं, रात को लेट आ गया। नहीं मैं तो खुश जा रही हूँ। आखिरी पिक्चर, आखिरी पिक्चर। अरे अरे हाँ साइकिल, हाँ साइकिल, हाँ साइकिल पूछ रहे थे ना, एंड साइकिल आप पूछ रहे थे ना, साइकिल एंड होता है। गलत हो गया, मैंने अपनी तरह से वॉवल्स यूज करने की कोशिश की, मैं खुद वॉवल हो गया। साइकिल वॉवल्स यूज, ए एच नहीं भाई, क्या हो गया, ए आई ओ यू, आ साइकिल ही होता है जो मैंने कहा है, मैंने वो कोई अल्फाबेट यूज नहीं किया ना। नहीं नहीं आप तो सही थी, उसमें गलत की है, मैं आपको एन साइकिल कर दिया, ए आई ओ यू, इसीलिए तुम नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये साइकिल जो है आपने कहां से ली है, इतनी अच्छे से कलर की, जो भी है कलर याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं। ये कहाँ पे चला रही है साइकिल? इत्तेहाद में है, लाहौर। हाँ ये लाहौर है। हाँ जी, इत्तेहाद लग रहा था, तो लाहौर में भी इत्तेहाद है। तो आप अच्छा बात क्या, नहीं नहीं कुछ पूछने वाले थे तो पूछ लो। नहीं नहीं मुझे लगा कराची की तस्वीर। नहीं जी आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, वेल डन, जबरदस्त। और थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारा टाइम निकाला, या तो कि आपकी शूट भी थी, आपको शूट पे जाना भी था, लेकिन यू स्टिल टेक द टाइम आउट एंड यू आर हियर, इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू। अगर हम आपको बहुत सारे पैसे दे दें जी, नहीं वो तो शो के तो मिलेंगे, परेशान ना हो, वैसे बोल रहा हूँ, बहुत सारे पैसे दे दें और कहेंगे जी फिल्म की कास्टिंग करनी है, सिर्फ 5 लोग कास्ट करने हैं जल्दी से। आदि भाई जरा कैरेक्टर्स बताएं। इसमें होंगे एक लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, हाँ हाँ, एक गरीब लड़की, ओह उस गरीब साथ साथ बताती जो साथ साथ चले बताते हैं, एक लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, शहरयार मुनव्वर। अरे वाह, शहरयार मुनव्वर, उसका क्या नाम रखेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया, एक गरीब लड़की है जो बिल्कुल ही गरीब सी है, मतलब पटरी के पास रहती है, पटरी के पास रहती है, मतलब वहाँ छोटे छोटे क्वार्टर बने होते हैं ना। हाँ तो उसमें किसको लेना है? आपने लेना है ना, प्रोड्यूसर आप में, पैसा ही पैसा आपके पास। युमना, युमना जैदी और शहरयार मुनव्वर कास्ट हो गए। उसमें एक और लड़की है जो दुबई से आई है, उस लड़के के चक्कर में, शेरी के चक्कर में आई, जर्निश। एक माँ जो कि लगी हुई है कि मैं बेटी जो है वो जो गरीब बेटी है उसकी शादी इस दुबई वाले से, ऑस्ट्रेलिया वाले से करा दूं, चिरान माँ, शेरी से, बीना जी, बीना जी, बीना जी, बीना चौधरी जी, बीना चौधरी, बीना चौधरी, ठीक है शेरी। एक एक बिजनेस टाइकून, जो वो जगह खरीदना चाहता है जहाँ सब गरीब लोग रहते हैं और सबको अपना मुलाजिम बनाना चाहते हैं, विलन सर जावेद शेख। सर जावेद, मूंछों के साथ, बगैर मूंछों के, बगैर मूंछों के, मतलब हमने आपको इतने पैसे दिए, आपने सब करा, पाकिस्तान से ही कास्ट कर लिया, किसी को बाहर से नहीं बुलाया, वो कर सकते हैं ऐसा? तो मैंने आपको पैसे दे दिए, आपको इतने सारे, हमने आपको कहा जिसको मर्जी कास्ट, जहां से बुलाएं, कुछ चेंज करना चाहेंगे इसमें? नहीं मैं इनको अपॉर्चुनिटी दी। ओह वेरी नाइस, अपॉर्चुनिटी। फिल्म का नाम क्या होगा? मेरा शहरी, मेरा शहरी, सारे पैसे जाया कर दिए हमारे, मेरा शहरी, मेरा शहरी। मैं तो समझा था आप ऑस्ट्रेलिया गई, दिमाग उमाग खुला होगा बिल्कुल। मेरा शहरी, इसका पूरा नाम करते हैं मेरा शहरी, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। वरना ये भी हो सकता है कि मेरा शहरी और थोड़ा सा हैवी। ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्ट कौन करेंगे?
मजर मोइन साहब, ठीक है। अरे यार मोहसिन भाई से भी करा सकते हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। और ये शूट कहाँ होगी, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? आप बोल रहे हैं पटरियाँ होंगी छोटे छोटे, तो पूरी दुनिया में होती है पटरियाँ, तो इधर ही कर लेंगे। पाकिस्तान में निपटा देंगी फिल्म आप, बचा रही है। वादा करके जाए स्पॉट मुझे ही रखेंगे आप, इतनी अच्छी मेमोरी आपको मिलेगी आपको किसी और की। और माइक का सेल मैं चेंज करूँ, ठीक है? खानदानी काम है हमारा। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे जवाब दिया आपने। जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आपके मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहें और जिंदगियां दूसरों के लिए आसान करें। खुद तो आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने लिए सोच रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी थोड़ा सा सोचें, उनके लिए भी आसानियां करें, आपके लिए भी आसानियां होंगी। जी आदि भाई, मैं आज जो मैसेज दूंगा वो ऐसा कि मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से, मैंने पहले भी कहना था लेकिन मैं भूल गया। मैं जिस फ्लाइट से अभी शो करके वापस कराची आया, उस फ्लाइट में एक हमारे कोई पैसेंजर थे जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, शायद मैं गलत भी कह सकता हूँ, और मेरी जो थॉट है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा उस वक्त अनाउंसमेंट हो रही थी कि फ़्लाइट में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो मुझे बड़ा अजीब ये लगा कि हम 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की टिकट लेते हैं और जितने की भी टिकट लेते हैं, तो आई फेल्ट के हर फ्लाइट के अंदर एक डॉक्टर या कोई नर्स होना चाहिए, होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप आवाज़ें लगाएं कि वो डॉक्टर है और बहुत से लोग वहाँ खड़े होकर सिर्फ ये देख रहे होते हैं। उनसे मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा मैं तो देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि खुदा ना खासा, और इसका मतलब ये नहीं है किसी को अटैक ही हो, कोई भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, आई थिंक देयर शुड बी अ डॉक्टर ऑन बोर्ड एवरी टाइम, क्योंकि आप बहुत पैसे लेते हैं और किसी की ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपके होती है जितनी देर आप होते हैं। तो प्लीज़ इस पर देखें, आप लोग समझें, हम लोग हर फजूल बात पे आवाज़ उठा लेते हैं लेकिन कभी कभार एहसास की बात या इमोशन की बात जहाँ होती है वहाँ हम थोड़े देर ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस बारे में भी सोचें, अगर आप चाहें तो इस बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगा और मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। मैं हूं लैला वास्ती और मैं आई हूं मज़ेदार शो पे आदि और फैजान के साथ, ओनली ऑन TV1 द मज़ेदार शो।